अच्छा जी, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आउटलाइन जो आपने बनानी है ऐसे कि आई एम श्योर यू ऑल नो कि एक आपका प्रॉपर ऐसे होता है जो कि पैराग्राफ्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उससे पहले आपने एक आउटलाइन बनानी है विच इज़ बेसिकली अ प्लान ऑफ हाउ यू विल राइट योर ऐसे। और ये एग्जाम में स्पेसिफाइड होता है कि मेक एन आउटलाइन एंड देन राइट योर ऐसे। सो बेसिकली आपकी आउटलाइन की बेस पर ही आपका ऐसे लिखा जाता है। तो अब आउटलाइन के ऊपर हम बात करें कि आउटलाइन में होता क्या क्या है। सो सबसे पहली चीज़ है आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से मुराद बेसिकली आपका स्टांस है, यानी कि आपकी क्या स्टैंडिंग है या आप किधर स्टैंड करते हैं किसी टॉपिक पे, दैट इज व्हाट अ थीसिस स्टेटमेंट रियली इज। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो हिस्से होते हैं। पहले चीज़ है आपका स्टांस, यानी कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन अ पर्टिकुलर इशू, और फिर देर इज अ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से मुराद आपका बेसिकली वो चीज़ है जो कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट को वैलिडेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको इसकी निकाल के दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन अप माई नोट्स एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टॉपिक है, कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये हमारा ऐसे का टॉपिक है। अब इसके ऊपर सवाल ये उठता है कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाएगी। तो उसमें जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है उसकी मैं आपको मिसाल एक देता हूँ जो मैंने लिखी थी। मैनी फैक्टर्स कैन कॉज द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल ऑफ देम कैन बी टैकल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म, अ फॉरमोस्ट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, can be prevented through law enforcement and diplomatic relations. Hence, third world war can be prevented. इसकी जो basic जो आपने note करनी है चीज़ वो ये है कि कोई भी issue है पहले उस पर अपना stance show करें। For example, अगर वो आपसे topic आपका पूछा जा रहा है कि can we prevent the third world war, तो you will either say yes we can prevent the third world war or we can't prevent the third world war. ठीक है, जब आपकी ये स्टांस बन जाएगी, अब आपने इसको बैकअप करना, आपने इसके पीछे रीजनिंग देनी है एक या दो लाइन में। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस जो मैंने अभी एग्जांपल दिए जो मैं चैट में शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ भी सकें, वो है कि लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर। अब हम नोट करें चैट में जो मैंने लिखा, मेनी फैक्टर्स कैन कॉज द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल ऑफ देम कैन बी टैकल्ड। बेसिकली ये मैंने स्टांस बता दिया है कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं और उन तमाम फैक्टर्स को रोका जा सकता है, उनको टैकल किया जा सकता है। अब ये मेरा पहला स्टांस हो गया। उसके बाद जब सेकंड सेंटेंस शुरू होता है फॉर एग्जांपल से, तो फॉर एग्जांपल टेररिज्म फॉरमोस्ट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू लॉ एनफोर्समेंट। तो मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि हम टेररिज्म जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का बायस बन सकता है उसको हम लॉ एनफोर्समेंट के जरिए रोक सकते हैं। इसी तरह मैंने लिखा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैन प्रिवेंट टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी टेरिटोरियल या जमीन के मसले हैं, टेरिटरी के मसले हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज इन सपोर्ट ऑफ माय स्टांस कि यस द थर्ड वर्ल्ड वॉर कैन बी प्रिवेंटेड। और मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं कि जनाब द टॉपिक इज कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो आप उसमें कह रहे हैं यस वी कैन प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। कैसे? वो इस तरह से कि अगर टेररिज्म हो रही है तो टेररिज्म को हम लॉ एनफोर्समेंट के जरिए रोक सकते हैं, और अगर कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए रोक सकते हैं। सो इस तरह से वी कैन प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर बाय प्रिवेंटिंग द फैक्टर्स दैट कॉज दिस वॉर। तो आई होप ये जो चीज़ है क्लियर है कि हमने किसी भी अपनी थीसिस स्टेटमेंट में हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट और क्या हम इसमें करेंगे। अब मैं इसकी आपको एक और मिसाल भी दे देता हूँ और वो मैं शेयर करूंगा यहाँ पर आपके साथ इस चैट बॉक्स में, एंड आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प यू। टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेट मी जस्ट
ये टॉपिक आप सबके सामने चैट में नजर आ रहा होगा. टॉपिक है एजुकेशन इज द पैनेसिया दैट विल ड्राइव दिस नेशन टू सक्सेस. यानी कि किसी भी कौम के तमाम मसाइल का हल तालीम है, जिसके जरिए हाँ ये कौम कामयाब हो सकती है. वैसे जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है वो ये लिखी है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में. सबको आई होप थीसिस स्टेटमेंट नजर आ रही होगी जो मैंने लिखी है. अब इसमें नोटिस करें कि मैंने सबसे पहले कहा है कि एजुकेशन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू द नेशंस प्रॉब्लम्स. बेसिकली दिस इज अ रीइटरेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस. मैंने टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट किया. जैसे आपको याद होगा मैंने पहले सेशन में बताया था कि हम लोग जब भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करूँ. तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि जब मैंने लिखा है कि एजुकेशन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू द नेशंस प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली आई एम सेइंग यस कि यस एजुकेशन इज द पैनेसिया. आई एम सपोर्टिंग द स्टांस, आई एम सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, आई एम सपोर्टिंग द मेन टॉपिक. तो ये मेरा स्टांस हो गया. पहला सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ. सेकेंड सेंटेंस शुरू होता है बाय प्रमोटिंग लिटरेसी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स मे बी प्रिपेयर्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन. अब ये जो है ना, ये जो सेंटेंस है, दिस इज बेसिकली इन सपोर्ट ऑफ माई स्टांस. यानी जब मैं कहता हूँ कि एजुकेशन ही हमारे तमाम मसाइल का हल है, तो फिर मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एजुकेशन हल है. और फिर उसमें मैं कहता हूँ कि जब एजुकेशन होगी, जब हम लिटरेसी को प्रमोट करेंगे, तो हमारी वर्क फोर्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और उससे हमारे मसले हल होंगे. इसी तरह तीसरा सेंटेंस है, एजुकेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन एन एजुकेटेड पॉपुलेस एप्रिशिएटिव ऑफ डेमोक्रेसी. अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब एजुकेशन होगी तो जो आपके मुल्क के शहरी हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे और वो जमहूरियत को सही अंदाज में यूटिलाइज करें, और इस तरह से आपकी जो एजुकेशन जो है वो आपके नेशन के तमाम मसाइल का हल बन सकती है. और फिर आखिर में मैंने एक बार फिर से, जब मैंने लिखा है कि हैंस एजुकेशन इज द की सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, तो मैंने एक बार फिर से अपने स्टांस को रिइटरेट कर दिया. तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपने अपना स्टांस देना कि बेसिकली वेयर डू आई स्टैंड, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा अपनी स्टैंडिंग क्या है, वेयर डू आई स्टैंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, कि वेयर डू आई स्टैंड विद द टॉपिक, डू आई एग्री विद द टॉपिक और डू आई डिसएग्री विद द टॉपिक. तो एक स्टांस ले लें आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिख दें, फिर उस टास्क को अपने आर्ग्यूमेंट से बैकअप करें. आर्ग्यूमेंट सारे नहीं लिख देने आपने, यूजली आपके पास 6 से 7 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपने थीसिस स्टेटमेंट में 1 या 2 आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड करने, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो यूजली मैक्सिमम 3 से 4 लाइन्स का होता है, उससे ज्यादा लाइन्स का थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता. तो आई होप थीसिस स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है वो आप सबको क्लियर हो चुका है. अब यहाँ पर किसी भी कोई सवाल है थीसिस स्टेटमेंट के बारे में तो मुझे बता दें, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. लेकिन अभी सवाल सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट के बारे में. जी इब्राहिम. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये थीसिस स्टेटमेंट लिखना जरूरी है सर, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ पीपल की जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी बट दे हैव पास द एग्जाम, तो इज इट नेसेसरी कि लिखना ही लिखना है? यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो जितने भी लोगों को जानता हूँ ना, सब ने आउटलाइन बनाई और सब ने थीसिस स्टेटमेंट लिखा. बट देन अगेन इफ यू थिंक दैट यू डोंट वांट टू राइट एन आउटलाइन, तो डोंट, और यू डोंट राइट वांट टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट, देन दैट्स फाइन. लेकिन जिन लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा, उन्होंने किसी ना किसी तरह से अपना स्टांस तो क्लैरिफाई किया होगा. आपके जिन दोस्तों ने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा, उन्होंने उसकी जगह कुछ और ऐसी चीज लिखी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन आर्ग्यूमेंट या कोई भी चीज, जिससे एग्जामिनर को उनके स्टांस का पता चल गया हो. तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि आप किधर स्टैंड करते हैं. एग्जामिनर को अगर ये नहीं पता हो जाए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप किधर स्टैंड करते हैं, तो उसके लिए आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा. तो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट जरूर लिखिए. थैंक यू सर. जावेद. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट को थीसिस स्टेटमेंट का टॉपिक देके लिखेंगे या ऐसे ही जस्ट ऐसे ही लिखेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि आप ना जब थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो कई दफा एक स्टेटमेंट होती है टॉपिक में, आप उसी को रीइटरेट कर देते हैं, उसी को अपने अल्फाज में लिख देते हैं. तो मैंने भी कई दफा ऐसा किया था कि मैंने अपने ही अल्फाज में जो आर्ग्यूमेंट था वो उसको रीइटरेट करके लिख दिया था. तो आप ये चीज भी कर सकते हैं.
उसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजली ज़्यादा आसान प्रैक्टिस ये है कि जो टॉपिक सेंटेंस है उसको अपने वर्ड्स में लिख दो, और फिर उसको उसकी उसकी सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट, एक या दो आर्ग्यूमेंट ऐड कर, ताकि आपकी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स में लिखें, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि वर्ड टू वर्ड टॉपिक सेंटेंस को या टॉपिक को आप कॉपी ना करें जो आपका टॉपिक है ऐसे का, बल्कि उसको अपने अल्फाज में लिखें थीसिस स्टेटमेंट में, और फिर उसको बैकअप करें विद योर आर्ग्यूमेंट्स। जी सोनिया, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल जो है ये है कि अभी तक जो मेरी लर्निंग थी अबाउट थीसिस स्टेटमेंट वो ये था कि इट शुड बी वन सिंगल सेंटेंस। तो सर इसमें कितना जो है आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें एक सिंगल सेंटेंस में ही पूरा लिख देना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट या क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल्स हमें दिखाई दो उसमें दो और दो से ज़्यादा सेंटेंसेस थे सर, तो वट इज़ अप्रोप्रिएट? थैंक अच्छा, ये चीज मैं सबके लिए एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हमारी आउटलाइन का तरीका होता है ना, आउटलाइन लिखने के तरीके, ये मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो मेरा तरीका है वो ही परफेक्ट हो या किसी और का तरीका है वो परफेक्ट हो। एवरीबडी हैज देयर ओन अप्रोच। तो जो सोनिया ने बात की है कि कुछ लोग सिंगल सेंटेंस में अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। मैं जो इस सेशन में आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो मैंने चीजें की थी, एंड हो सकता है कि आप उससे एग्री ना करें, दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप वो तरीका एक फॉलो करें विच मेक सेंस टू यू। अगर आपको लगता है कि एक सर्टन अप्रोच मेरी गलत है, तो यू शुडंट फॉलो इट। आपको उसको उस तरीके का आपको फॉलो करना चाहिए जो आपको लॉजिकली अपील करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप जरूर माइंड में रखें कि हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला जो मेरा मेथडोलॉजी है वो फॉलो की, जो मेरे साथ के दोस्त थे वो भी पास हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मेथडोलॉजी फॉलो की और वो फेल भी हुए। तो देर इज नो परफेक्ट आंसर और परफेक्ट सोल्यूशन, बट वॉट यू हैव टू मेक कीप इन माइंड इज यू हैव टू फॉलो अ लॉजिकल अप्रोच। जो चीज़ आपको लॉजिकल लगती है वो करें, जो चीज़ आपको लॉजिकल नहीं लगती वो ना करें। अगर आपको लगता है कि आप एक सेंटेंस में थीसिस स्टेटमेंट के साथ जस्टिस कर सकती हैं, दैट इज फाइन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 4 या 5 सेंटेंस की बेस पर अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखें। एक सेंटेंस में अगर पूरा हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है सर, जो एक सिंगल सेंटेंस में हम लिखते हैं और एक टाइम वो उसमें गलती के चांसेस भी बहुत होते हैं, तो मुझे तो ये वाला मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है जो मोर देन वन सेंटेंस का है। हाँ, तो आई थिंक जो आपको बेहतर लग रहा है आप वो फॉलो करें। ये वाला तरीका जो है, जो मैंने फॉलो किया था, दिस इज आल्सो वेल, इट गॉट मी पास्ट, सो आई थिंक इट विल गेट अदर्स पास्ट एज वेल, एज लॉन्ग एज द थीसिस स्टेटमेंट इज टेक्निकली करेक्ट, ठीक है? सो जहरा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वेलकम। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि अगर हम जीपी कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड कोई भी सेशन है अगर वहाँ का देख लें तो ऐसे 50 मार्क्स का है, और उसमें अगर हम पास्ट पेपर में देखें 2017 में उसमें एक ऐसे था रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी। तो मेरा सवाल एक ये है कि क्या हर ऐसे के हर किस्म के, जैसे आपने अपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, क्या हर ऐसे में हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखना होगा? अगर ये ऐसे आ जाता है रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो बिल्कुल क्या इसमें भी हमें थीसिस स्टेटमेंट देना होगा? और तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि सर जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो थीसिस स्टेटमेंट को क्या हम इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे आउटलाइन में कि थीसिस स्टेटमेंट देन हम, तो कंडी ये 3 सवाल हैं। ठीक है। थैंक यू। अच्छा देखिए, आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है ना वो सबसे पहले आता है, ठीक है? जो मैंने तरीकाकार फॉलो किया था उसमें पहली हेडिंग थी आपकी आउटलाइन में, सबसे पहली हेडिंग थी थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर बाकी चीजें आती हैं। तो यह तो आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि, सॉरी रिपीट कर दिया, आपका दूसरा सवाल क्या था? जरा कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज।
So let's move forward. Sultan Mir, up to your question. Sultan Mir, up to your question. Please ask. अच्छा ओप्पो A5S आपने कोई क्वेश्चन और ये फरीदुल एडवोकेट आपका क्वेश्चन आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस सो वी विल मूव फॉरवर्ड तो थीसिस स्टेटमेंट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन थीसिस स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं और हाउ डू वी टैकल इट हाँ मुझे अभी याद आया कि ज़हरा का सवाल क्या था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपने आउटलाइन कैसे और क्या उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है या नहीं जैसे आपने मिसाल दी कि रोल ऑफ सोशल मीडिया अब ये वाकई एक बड़ा जेनरिक सा टॉपिक है और इसमें कोई ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती कोई इसमें थीसिस स्टेटमेंट की एज सच ज़रूरत महसूस नहीं होती लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखे थे तो मैं उसमें थीसिस स्टेटमेंट में एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट देता था कि फॉर एग्जाम्पल इसी टॉपिक को उठा लें तो मैं उसमें लिखता था कि यस आपका मेरी स्टेटमेंट वुड बी समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स के सोशल मीडिया इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन द सोसाइटी इट और फिर उसके बाद मैं उस चार या पांच उसके यूजेस या दो या तीन यूजेस उसके मेजर यूजेस हैं वो बता देता एंड दैट वुड बी इट तो उसमें कोई स्टांस लेने की जरूरत नहीं होती जो स्टांस लेना है ये यूजली वहां पर लेना जरूरी है जहां पर आपका टॉपिक जो है इधर इट इज अ स्टेटमेंट especially when it is an argumentative kind of essay. तो वहाँ पे stance लेना जरूरी है लेकिन जब descriptive essay है तो वहाँ पर stance नहीं लेनी वहाँ पर आपने general सी statement दे देनी with respect to whatever the topic is demanding and that should be enough. तो ये चीज़ आपने अच्छा point raise किया ये चीज़ हर एक को mind में रखनी चाहिए लेकिन हाँ ये है कि चाहे आप descriptive essay लिखें चाहे आप argumentative essay लिखें आउटलाइन जरूर बनाएं और उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट जरूर डालें एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट वुड नॉट रियली हैव अ स्टांस बट इट वुड कंटेन सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन और ठीक है अनम्यूट किसी भी इंटरव्यू में और सर आप मैंने तो सर से पढ़ा था सर वो कह रहे थे कि शुरू में स्टार्टिंग लाइंस दें उसके बाद फिर वो कह रहा था कि आपने थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आपका इंट्रो का मेन पार्ट होता है जी सर थीसिस स्टेटमेंट की वेटेज कितनी होनी चाहिए कितने सेंटेंस होने चाहिए किसी भी इंट्रो में और उसके बाद आपके वो स्टार्टिंग लाइन की वेटेज क्या होने चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की जो है ना लाइंस में उसमें ये है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट की आपकी होनी जी चार या पांच लाइन ये वाली पहली बात और वो जो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग लाइन और वो सारा टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई स्टार्टिंग लाइन नाम के नाम की हेडिंग इंक्लूड नहीं की थी थीसिस स्टेटमेंट में तो आई डोंट नो स्टार्टिंग लाइन क्या है और उसका क्या रोल होता है जो मेरा तरीका एक कार था मैं फिर उसको जरा रिपीट कर देता हूँ उस मेरा ये तरीका था कि जब मैं ऐसे लिखना जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया पेपर सबसे पहले मेरी आउटलाइन होती थी आउटलाइन में पहली हेडिंग होती थी थीसिस स्टेटमेंट और उसके बाद फिर शुरू होता था स्टार्टिंग लाइन और इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं बनाई और ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी लेकिन मेरी वही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि मेरे तरीक़ाकार पे आप लोग जो है गौर ज़रूर करें लेकिन डू व्हाट अपील्स टू यू अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मेरी अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल टू यू तो डोंट फॉलो इट फॉलो द अप्रोच दैट अपीयर सूटेबल टू यू ओनली ठीक है तो स्टार्टिंग लाइन मैंने कोई यूज़ नहीं की थी माई आउटलाइन स्टार्टेड कल आप कह रहे थे ना कि सर आपने डायरेक्ट टॉपिक हिट नहीं करना है किसी जनरल से बात से टॉपिक को से आपने शुरू अच्छा, करना अच्छा, है नहीं और... थीसिस स्टेटमेंट जो है ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो वो आपका है उसमें दो चीजें स्टांस और दूसरी चीज है वैल्यू एडिशन स्टांस मैंने बता दिया कि बेसिकली आप टॉपिक पे कहां स्टैंड करते हैं क्या आप टॉपिक से एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं वो लिख दिया आपने
और फिर उसके बाद आपने वैल्यू एडिशन लिखनी है विच इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर स्टांस। ठीक है, कल मैंने क्या बात की थी, आई डोंट नो, कल मेरी क्लास नहीं थी यहाँ पर, मेरी क्लास परसों थी, सो आई थिंक यू माइट बी कंफ्यूजिंग माय सेशन विद समवन एल्स। सर आप कह रहे थे आई होप कि आपने जब इंट्रो लिखना हो तो इंट्रो में आपने डायरेक्ट टॉपिक को हिट नहीं करना है, पहले आपने कोई जनरल सी बात करनी है, उसके बाद फिर आपने स्टांस लेना है, फिर अच्छा वो इंट्रोडक्शन है वो तब होता है जब आपका प्रॉपर एसे स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन लिखते हैं फिर उसके बाद अपने एसे पे आते हैं जो कि आपका पूरा पैराग्राफ होता है। ऐसे ये आउटलाइन है, इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट या सिंगल या दो तीन लाइंस के सेट स्टेटमेंट्स होंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू सर। एक बार आप आउटलाइन लिखते हैं फिर आप अपने प्रॉपर एसे की बॉडी पे आएंगे, फिर वहां पे आपका पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, तो वहां पर आप जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे डिटेल। थैंक यू सर। गुलाम इसहाक अपना क्वेश्चन किया। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम कह सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है मतलब इसे के जो टॉपिक है उसमें उसमें से मतलब जरा एडिशन है, मतलब कम्प्लीमेंट्री तीन चार सेंटेंसेस होते हैं। जी जी, मतलब ये है कि मतलब जो टॉपिक है इसे का जो टॉपिक है जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि आपने पहले बताया कि मतलब रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी, तो मीडिया का क्या रोल है, तो इसके कम्प्लीमेंट में आप तीन चार सेंटेंस में एक मतलब एक हल्का सा पैराग्राफ लिख दें और उसके बाद मतलब ये थीसिस स्टेटमेंट हो गया। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आना चाहिए, इंट्रोडक्शन और आउटलाइन के बीच में आना चाहिए या पहले थीसिस स्टेटमेंट फिर आउटलाइन फिर इंट्रोडक्शन और फिर पूरा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, जरा गाइड कर दीजिए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आउटलाइन, सबसे पहली चीज आपकी आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन है सबसे पहली चीज है थीसिस स्टेटमेंट। जी, फिर आउटलाइन के अंदर तीन चार चीजें और होती हैं जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर तक। जब आपने आउटलाइन पूरी कर ली उसके बाद आपका ऐसे शुरू होता जी, जिसमें पहली चीज होती है आपकी इंट्रोडक्शन और फिर आपका बाकी सारा। आई होप दिस इज क्लियर। पहला सवाल आपका क्या था सर? यही सवाल था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो थीसिस स्टेटमेंट है जो मतलब टॉपिक के कॉम्प्लीमेंट्री तीन चार सेंटेंस पर बेस्ड होता है, यही होता है ना? ऐसा ही देखें आप, मैं फिर रिपीट करता हूं, चार या पांच सेंटेंसेस का आपका थीसिस स्टेटमेंट है, उसमें आपने अपना स्टांस बताना है और अपने स्टांस की फेवर में आर्गुमेंट्स दे देने। दैट्स इट, दैट्स ऑल। सर अगर कोई आर्गुमेंटेड कोई इसे अगर हो गया तो उसमें आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, मतलब उसके स्टेटमेंट के आपने अपोजिट जाना है मिसाल के तौर पर, तो आप उसके उसके अपोजिशन में अच्छे से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आपकी स्टांस जो होगी ना सिर्फ उस स्टांस की फेवर में आपने लिखना है, उसके अपनी स्टांस के अगेंस्ट नहीं लिखना थीसिस स्टेटमेंट, वो चीजें बाद में आएंगी। आप थीसिस स्टेटमेंट में बताते हैं कि जनाब वी बिलीव इन दिस, वी बिलीव ए इज इक्वल टू बी, फिर उसी थीसिस स्टेटमेंट में अगले सेंटेंस में आप लिखेंगे कि वाई ए इज इक्वल टू बी। आप ये नहीं लिखेंगे कि y a is not equal to b। अब आपने पहले अगर आपने बोल दिया a is equal to b, then you will support it with y a is equal to b। You will not write y a is not equal to b। I hope I'm making it clear। कोई confusion नहीं हो रही इसमें। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी। I hope all the questions are dealt with। Now we move forward। आपका thesis statement जो है, it's covered। अब हम आते हैं आगे, next topic जो है इसी इंट्रोडक्शन इसी आपके थी आपके आउटलाइन में दूसरी चीज है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या चीज होती है? एक्सपोजिशन इज बेसिकली अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको मिल गया है जिस पे आपने ऐसे लिखी है, और या सपोज आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जिस पे आपको लगता है कि आपकी वर्ड काउंट पूरी नहीं होने वाली, या ये कि आप 2500 वर्ड उस पर नहीं लिख सकते, तो वहां पर एक्सपोजिशन जो है वो आपके लिए फायदा मंद होती है। बेसिकली एक्सपोजिशन में आप ये करते हैं कि आप टॉपिक के की टर्म्स को पिक करते हैं
और फिर उनकी डेफिनेशन जो है लिखते थे. दैट्स ऑल. यू सिंपली एक्सप्लेन द की टर्म्स ऑफ योर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव कोई टॉपिक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ. मेरे पास ये टॉपिक्स पड़े हैं. मेरे पास एक टॉपिक है फॉरेन एड के बारे में. फॉरेन एड का आप सबको पता ही होगा क्या चीज होती है फॉरेन एड. अच्छा टॉपिक जो है वो ये है फॉरेन एड ट्रीट और ट्रैप. ठीक है ये आपका टॉपिक है. मैं यहाँ पे इधर भी लिख देता हूँ ताकि इट वुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू. फॉरेन एड ट्रीट और ट्रैप. अच्छा ये टॉपिक है आपका. अब इस टॉपिक पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया. पहली हेडिंग आपकी पूरी हो चुकी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोजिशन. कि आप इसके ऊपर आपने एक्सपोजिशन लिखनी. एक्सपोजिशन क्या चीज होती है मैंने बताया कि आप की टर्म्स को आइडेंटिफाई करके उनको डिफाइन करके. तो यहाँ पर जो मेरी की टर्म है वो है फॉरेन एड. तो मैं फॉरेन एड लिखूंगा और फॉरेन एड के आगे लिख दूंगा डिफाइनिंग फॉरेन एड या कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द मीनिंग ऑफ फॉरेन एड या फिर द टाइप्स ऑफ फॉरेन एड. तो बेसिकली ये जो होता है ना आई वुड बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फॉरेन एड का मतलब क्या. और इस पार्ट ऑफ आउटलाइन का मकसद यही होता है कि हम लोग एग्जामिनर को ये बता दें कि हमें टॉपिक की समझ आ चुकी है. अब मैं इसको आपको इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ. लेट मी जस्ट थ्रू थर्ड. अच्छा अब एक और टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर सोसाइटीज पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट्स. मैं आपके साथ यहाँ पे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ. ये टॉपिक एक बार पढ़ लें आई होप आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ी आपकी इससे रिमूव होगी. इसकी एक्सपोजिशन मैंने क्या बनाई है वो मैं आपके सामने भी पोस्ट कर. नोट करें कि मेरा टॉपिक था जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर सोसाइटीज पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट. और उसकी जो एक्सपोजिशन मैंने बनाई जो कि थीसिस स्टेटमेंट के बाद आती है वो है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द की वेरिएबल एजुकेशन इट्स वेरियस स्ट्रैंड्स एंड फॉर्म्स. सो बेसिकली जब आप एक्सपोजिशन लिखते हैं तो आप किसी भी वर्ड से पिक करते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप जो हैं अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और आपकी वर्ड काउंट जो है वो पूरी हो जाए. और यह कि आप एक सर्टन बेस बना लें कि आपका जो पूरा ऐसे है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला. अब जब मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर एजुकेशन को आई एम सॉरी ये मेरा ख्याल है मैंने किसी और टॉपिक की आपके साथ शेयर कर दिया. ओके लेट मी जस्ट कनेक्ट माई सेल्फ. जो टॉपिक था दैट वॉज एक्चुअली Education is the panacea. So your topic tha, education is the panacea that will drive this nation to success. Ye hamara topic tha. Aur iske just meri exposition hai wo hai contextualizing the key variable education its various strands and forms. So maine education ye lafz ko pick kiya aur usko define kar diya ki education mein kya kya cheeze included hai kya kya uske andar forms hai kya kya ideas hai. और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि हमारी एजुकेशन से मुराद क्या है और किस तरह से एजुकेशन जो है हमें आइंदा फ्यूचर में फायदा दे सकती है. तो अब एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ. अब तक हमने सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दी थी और थीसिस स्टेटमेंट देने के बाद हम आ गए थे एक्सपोजिशन पे. और एक्सपोजिशन में बेसिकली आप किसी भी की टर्म को टॉपिक में से पिक करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. और एक्सप्लेनेशन जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मिसाल दे देता हूँ एजुकेशन और उसके आगे डैश डाली और फिर लिख दिया इट्स वेरियस स्ट्रैंड्स एंड फॉर्म्स. सो इस तरह से आपने अपनी एक्सपोजिशन लिखनी होती है. इसी तरह अगर मैं एक और टॉपिक के ऊपर आऊँ जो कि है जेंडर बेस्ड वायलेंस तो उसकी एक्सपोजिशन क्या होगी वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. आपके पास चैट में शो हो रहा होगा कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द की वेरिएबल्स. सी ये हो गया आपके पास.
अब देखिए टॉपिक हमारा है जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर सोसाइटीज पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट, यानी कि हमारे माशरे में जो भी वायलेंस हो रही है वो हमारे पितरशाही मिजाज की अट्टासी है। पितरशाही बेसिकली पेट्रियार्की की उर्दू है। पेट्रियार्की इज बेसिकली अ मैन मेड सिस्टम फॉर द मैन बाय द मैन, और जिसमें मर्दों को एडवांटेज होता है ओवर विमेन। तो उस सिस्टम के नतीजे में हमारे माशरे में जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, ये हमारा टॉपिक है। अब उसमें फिर जब मैं एक्सपोजिशन लिखूंगा तो मैं उसमें लिखूंगा कंटेक्चुअलाइजिंग द की वेरिएबल्स, आगे सेमीकोलन डाल के पेट्रियार्की एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो बेसिकली मैं पेट्रियार्की और जेंडर बेस्ड वायलेंस पे डिफाइन करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, और दिस वुड बी आवर एक्सपोजिशन। तो आई होप एक्सपोजिशन इज क्लियर। अब लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। शरीफ आपका क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर हमें कोई टॉपिक्स आ जाते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट उसकी डिफिनेशन नहीं, इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन हमें नहीं पता होता, तो हम जिस तरीके से डिबेट में करते हैं उसी तरीके से हम खुद अपने आइडियाज से बना के उसकी इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन दे सकते हो? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही शरीफ, परफेक्टली पॉइंटेड आउट। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत रेयरली आएगी आपको, शायद मुझे भी जो है, मैं भी खुद से ये डेफिनेशन बनाता था पेपर, दैट इज परफेक्टली फाइन। आपने खुद से अपनी कॉमन सेंस, अपनी नॉलेज के तहत डेफिनेशन डिवाइस करनी और वहां पर लिख देनी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको हर मुश्किल लफ्ज की डेफिनेशन होती है। परफेक्टली राइट, यू आर टोटली करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट ओप्पो F11 आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओप्पो F11 आपका नाम क्या है? सॉरी सर, दैट्स सहरिश। सर मुझे पूछना था एक्सपोजिशन में कि मैंने एक लिखा था इसे डज इकोनॉमिक एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें जो मैंने जिसको दिखाया था उन्होंने कहा था कि फर्स्टली आई हैव टू स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एड, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके बाद फिर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मुझे सर आपसे ये पूछना था कि हम इस तरह मीनिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग कह के अगर उसमें आउटलाइन में लिख के कर सकते हैं, इज दैट फाइन? Again, I will repeat कि हर इंसान की different approach होती है। मैं आपको advice करूँगा कि start definition से ना लें, start अपना आप thesis statement से लें। Thesis statement जब आप लिख लें उसके बाद exposition पे keywords को define करें। That would be my advice। ठीक है जी, thank you। अच्छा, Oppo A5s, I think आपने काफी देर से hand raise किया हुआ। Hello Oppo, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। मुश्तबास Galaxy A2 जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। हम थोड़े लेट आए थे शायद उस वजह से, लेकिन सही क्लियर हमें एग्जैक्ट फॉर्मेट का पता नहीं चल रहा सर। तो काइंडली सर आप मतलब कोई किसी टॉपिक पे ऐसे लिखकर वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे पास मतलब महफूज हो। मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई अपनी सारी आउटलाइंस, जो मैंने आउटलाइंस शेयर की थी आपकी नजर से गुजरी है, वो जो मैंने PDF शेयर किए थे जब भी ग्रुप नया नया बना था। नहीं सर, मैंने नहीं देखे थे। ठीक है, आप वो देख लें, उसमें सारी आउटलाइन का स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं बाकी आउटलाइन भी दोबारा भेज दूंगा सर। एक कंप्लीट ऐसे आप लिख लेना ताकि सर हमें अंदाजा हो सके कि आपकी मतलब किस टाइप की अप्रोच होती है। मतलब वो पूरा पूरा का पूरा आउटलाइन ही उसके अंदर मौजूद है। और जहां तक पूरे ऐसे की बात है, पूरा ऐसे जो है ना, मैंने अपनी तैयारी में पूरे ऐसे आई थिंक हार्डली 3 या 4 लिखे। मैंने ज्यादा टाइम अपना आउटलाइन पे स्पेंड किया था, 20-30 आउटलाइन लिखी थी, ऐसे मैंने सिर्फ 3-4 लिखे। तो अभी फिलहाल जो हम आउटलाइन की बात करें तो आउटलाइन शेयर्ड है ग्रुप पे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो लेट मी नो, आई विल शेयर इट अगेन एंड आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल। तो उस पे नजर डालने, यू विल गेट टू नो द स्ट्रक्चर। वैसे आपने इतना ज्यादा मिस नहीं किया अभी तक। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि पहला हमारा स्टेप होता है आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट, उसके स्ट्रक्चर पे हमने बात की थी। सेकंड स्टेप हमारा होता है एक्सपोजिशन, जिसमें बेसिकली हम की टर्म्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये बात की, ज्यादा आपने चीज मिस नहीं की, डोंट वरी। और हाँ, जैसा मैंने बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट में 2 पोर्शंस होते हैं, उसमें एक आपका स्टांस होता है जिसमें बेसिकली आप बता रहे होते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन यू एक्सप्लेन योर स्टांस बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर स्टांस। लेकिन ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने थीसिस स्टेटमेंट में, सिर्फ 1 या 2 आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आपकी थीसिस स्टेटमेंट 4 या 5 लाइन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल यू हैव मिस्ड एंड आई होप दिस इज क्लियर।
वी मूव फॉरवर्ड। और किसी को सवाल? सुल्तान मीर, सुल्तान मीर आपके कोई क्वेश्चन है? ओके देन सर, हमारे जीव का जो इसे है सर वो तो हजार से, सुल्तान मीर बात कर रहा हूँ सर, हजार से 1200 वर्ड या सर उसकी अपर लिमिट सर ज्यादा से ज्यादा होगी तो 1500 वर्ड्स की होगी सर, उसमें मैं फिर ये आउटलाइन वगैरह और सर ये इस तरह इंट्रो, फिर उसको सर हम किस तरह वो कर सकते हैं 1500 वर्ड्स में, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं सर 3000 वर्ड्स के ऐसे की, फिर उसको सर उसके प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सर उसके लिए आप हमारे थोड़ी रहनुमाई। आउटलाइन लिखना हमारे लिए तो लाजमी था, सीएसएस में तो लाजमी था, आई डोंट नो वहां पर लाजमी है या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने आपसे आउटलाइन नहीं मांगी तो इट्स अप टू यू, आप ना बनाए बेशक, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, मे बी यू नो यू वोंट फील कंफर्टेबल, सो इट रियली इज अ बिट ऑफ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, सो इट्स अप टू यू, अगर आप आउटलाइन बनाना पसंद करते हैं आई थिंक उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे, तो आउटलाइन बना लें, बट इफ यू थिंक ये टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर ना बनाए, सो देयर इज नो कंपल्शन, बट अगेन यू विल हैव टू सी कि एग्जामिनर क्या रिक्वायर करा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउटलाइन बनानी ही बनानी है तो देन यू विल इवेंचुअली हैव टू मेक एन आउटलाइन, तो फिर यूजली होता है ऐसा है कि आपकी जो आउटलाइन है ना वो आपके वर्ड काउंट में इंक्लूड नहीं होती, डोंट वरी अबाउट दैट, एटलीस्ट सीएसएस में तो आपकी आउटलाइन वर्ड काउंट में इंक्लूड नहीं होती थी, बिल्कुल अलग कंसीडर होती है। ठीक है जी साजिद जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे सवाल है कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन किया, बाकी इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स है सर, लाइक जो एंटीथेसिस और सिंथेसिस सर, तो काइंडली उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। एंटीथेसिस सिंथेसिस ये मैंने कभी नहीं बनाए, कभी लिखे भी नहीं है, तो आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट, सॉरी। मेरा कल ऐसे लोए था ये जैसा कि जी ओपो नहीं, एक मिनट ठहर जाए यार शिव भाई, मैं जरा ओपो से बात कर लूं। जी ओपो जनाब, ओपो जो है ना बार बार अनम्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी इब्राहिम आप बताएं। सर जो अभी जीवी का जो ऐसा है सर वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो अमूमन जो अभी आप जो करेंटली आप जो बता रहे हैं वो सारा सीएसएस के बारे में आप बता रहे हैं सर, सीएसएस में जो आपने ऐसे लिखा था 2500 टू 3000 वर्ड्स का जो हमने ऐसे लिखना होता है सीएसएस में, तो अभी जीवी का जो है वो है सर कोई 50 मार्क्स का है, तो राउंड अबाउट कम अज कम हमें 1000 से 1500 वर्ड्स तक लिखने होंगे, तो आउटलाइन अब जो सीएसएस वाला जो आउटलाइन होती है सर उसमें हम लिखते हैं कोई एक पेज या एक से डेढ़ पेज तक हम आउटलाइन बनाते हैं उसकी, तो इसकी आउटलाइन कितनी होनी चाहिए सर लेंथ, और पूरा पूरे ऐसे का ऐसे की जो लेंथ है उसके बारे में जरा काइंडली बता दीजिए। ऐसे की, अच्छा ऐसे की लेंथ से आउटलाइन का मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक होगा, जब तक आपकी आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो फिर उसका फायदा क्या है, तो डोंट थिंक कि अगर आपने सिर्फ 1500 वर्ड्स लिखे तो उसकी आउटलाइन भी शॉर्ट होगी, मेरा नहीं ख्याल। आउटलाइन जो है चाहे वो 1500 वर्ड्स के ऐसे की हो या 2500 वर्ड्स के ऐसे की हो, आउटलाइन तो आई थिंक सेम लेंथ की होती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आउटलाइन का जो फॉर्मेट है वो मोर लेस सेम रहेगा। 1500 वर्ड्स का ऐसे आई थिंक इट वुड बी इजी टू अटेम्प्ट। सीएसएस में भी मैं आपको ये बात बता दूं कि जो 2500 वर्ड्स है ना बहुत कम लोग लिखते हैं, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1600, 1700, 1800 वर्ड्स का ऐसे लिखा एंड दे क्लियर द एग्जाम, ठीक है, तो इस तरह होता है कि आप 2500 वर्ड्स वहाँ पर लोग मीट नहीं करते और उसके बावजूद उनकी आउटलाइन होती है यूजली डेढ़ पेज या दो पेज की, सो इट डजंट डिपेंड कि आप कितने वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं, आपकी आउटलाइन इज बेसिकली समरी और जनरल आइडिया अबाउट योर वर्क ऐसे, ठीक है। अच्छा अच्छा अबू बकर आपका सवाल है विद रिगार्ड्स टू एक्सपोजिशन, तो प्लीज आस्क, वरना फिर एंड के लिए जी जी वालेकुम सलाम। सर जी ये आउटलाइन में हम सिंगल वर्ड लिख सकते हैं या एडियम्स और सेंटेंस के फॉर्म में लिखना बेहतर होगा? ठीक है, अच्छा इसमें देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मुख्तलिफ अप्रोच है, मेरे एक सीनियर थे वो सिंगल वर्ड्स की फॉर्म में आउटलाइन लिखते थे, उनका भी सीएसएस का ऐसे क्लियर हो गया, मेरे एक सीनियर थे जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते थे उनका भी क्लियर हो गया, सो इट रियली डिपेंड्स कि आप लिखते क्या हैं, सो मेरी अप्रोच ये थी एंड दिस इज द अप्रोच दैट आई एडवाइस कि आप इस तरह से लिखें, क्योंकि मेरे लिए आसान था कि मैं अपने आइडियाज एक्सप्लेन करूँ थ्रू सेंटेंसेस, अगर आपको लगता है कि आप अपना आइडिया अपना एप्टीट्यूड सिंगल वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं
तो यू शुड राइट सिंगल वर्ड्स. इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट. माय पर्पस हियर इज नॉट टू से कि मेरा ही तरीका सही है और बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एन एसे एंड यू शुड प्रोबेबली फॉलो दैट मेथोडोलॉजी दैट सूट्स यू बेस्ट. मेरे नजदीक मेरा तरीकाकार बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. तो अल्टीमेटली आपने खुद जज करना है कि आप किस स्टाइल में कंफर्टेबल हैं और फिर वो स्टाइल फॉलो करें. ठीक है जी. सो आई थिंक सो फार एक्सपोजिशन तक सब क्लियर हैं. सो वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड. सो अब तक हमने, मैं रिकैप कर देता हूँ, अब तक हमने बात की है थीसिस स्टेटमेंट की और हमने बात की है एक्सपोजिशन की. अब हम आते हैं सबसे अहम चीज पर, वो है हमारा मेन आर्ग्यूमेंट. यहाँ पर बेसिकली होता यह है कि आपकी बॉडी ऑफ द एसे है ना, वो है आपका मेन आर्ग्यूमेंट कि आप किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि टॉपिक है कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, ये आपका टॉपिक था. अब आपने इसकी फेवर में कहा कि यस वी कैन प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में लिख दिया. अब जब आप मेन आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे क्यों या कैसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं. ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर उसके अंदर आप 6 या 7 अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिस्ट करेंगे. और मैं जो करता था, मेरा तरीकाकार ये था कि अगर मैं कह रहा हूँ कि वी कैन प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो बेसिकली मेरी थर्ड हेडिंग आउटलाइन में होती थी हाउ टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, ये मेरी थर्ड हेडिंग है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3, हाउ टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और फिर उसके नीचे 3.1 करके APs. Argument 1, 3.2, argument 2. मैं चैट में मैंने बता दिया कि किस तरह आपने लिखना है. थर्ड हेडिंग है आपकी मेन आर्ग्यूमेंट, आपने उसमें लिख दिया हाउ टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और फिर उसकी सब हेडिंग्स होंगी. 3.1 में आप अपना पहला आर्ग्यूमेंट देंगे कि वी कैन प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर थ्रू प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट, ये आपका पहला आर्ग्यूमेंट हो गया. फिर 3.2 में आप कहेंगे कि वी कैन प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, ये आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट हो गया. और इसी तरह आपने बेसिकली मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ तरीकों से स्टेटमेंट्स लिखनी है विच विल बी योर आर्ग्यूमेंट्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज डू एक्सप्लेन, टू प्लीज आस्क. लेकिन पहले मैं जरा एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. अब देखें, अगर हम वर्ल्ड वॉर वाले टॉपिक को उठाएं, हमारा टॉपिक था कि कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर. हमने उसका अपने थीसिस स्टेटमेंट में स्टांस लिया था कि यस वी कैन प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो लॉजिकली आपके सामने जो लॉजिकली आपका जहन जाता है, आप सवाल आप सोचते हैं कि अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम एक्सप्लेन करें कि हम कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करेंगे. तो ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट की बॉडी शुरू हो जाती है. हेडिंग नंबर 3 इज आवर मेन आर्ग्यूमेंट, हाउ टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर. और फिर उसमें 3.1 में हम लिखेंगे अपना पहला आर्ग्यूमेंट, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, वेदर इट्स अबाउट लॉ एनफोर्समेंट, वेदर इट्स अबाउट एजुकेशन, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है. फिर 3.2 में हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, और फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड द मेन आर्ग्यूमेंट. दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट ऑफ योर आउटलाइन. ठीक है, ये आपकी आउटलाइन का मेन आर्ग्यूमेंट वाला हिस्सा है. इसको मजीद समझने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप वो डॉक्यूमेंट्स देखें जो मैंने ग्रुप पे शेयर किए हैं, वहां पर आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि आपने अपनी आउटलाइन में मेन आर्ग्यूमेंट्स कैसे देने. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब हम सवाल सुन लेते हैं कुछ लोगों के. सुल्तान मीर, सुल्तान पूछे सवाल. सर आप इंट्रो की बात करने से पहले, सर मेन आर्गुमेंट वाले मेन बॉडी है जहाँ पे हमने टॉपिक फिट करना है उसकी बात किया, तो सर हम पहले इंट्रो की बात ना करें सर, फिर उसके बाद में उस पे आर्गुमेंट वाले उस पे ना आ जाएं सर. दोस्त अभी हम थीसिस, अभी हम ना मेन अपने ऐसे पे गए नहीं, अभी हम सिर्फ आउटलाइन की बात करें. आउटलाइन में तीन, मुझे बताएं हमने तीन चीजें कौन सी बात की. सबसे पहली चीज क्या होती है आउटलाइन में? थीसिस स्टेटमेंट सर. नंबर 1 थीसिस स्टेटमेंट हो गया, नंबर 2 एक्सपोजिशन है, नंबर 3 हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट्स कि हमने आर्ग्यूमेंट्स क्या देने, ये हमारी तीसरी हेडिंग है.
उसके अंदर फिर हम सब आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट देंगे दूसरा आर्ग्यूमेंट सर फिर ऑनलाइन में हमने इंट्रोडक्शन सर वो करना लाजमी नहीं है सर आउटलाइन में हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया आउटलाइन में हमने थीसिस स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर हमने एक्सपोजिशन दिया फिर हमने आर्गुमेंट दिया ठीक है सर थैंक यू अच्छा अगला सवाल इजाज जी इजाज पूछे अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर मेरा ये सवाल है कि मेन आर्ग्यूमेंट्स पे जब हम अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करेंगे तो उसमें आपने एक एक तो बताया कि आप फ्रेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेकिन अगर हम वो स्टेटमेंट जो है वॉइस अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट पे जो पंक्चुएशंस वगैरह हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर उस पर आखिर में क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप वगैरह लिखना लाजमी है या वो नहीं लिखेंगे पंक्चुएशन आप फॉलो करेंगे Okay. जो मैंने थ्री लिखा पॉइंट नंबर थ्री इसके ऊपर लिखा हाउ टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दिस इज स्टेटमेंट कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ग्रामेटिकल स्कीम समझ लेना आप इस सेंटेंस की जी जी बिल्कुल दैट इज द क्वेश्चन मार्क आउट ऑन पर्पस ठीक ओ ओके सर ओके थैंक यू सर जी आ शरीफ आपका क्वेश्चन उज़ैर भाई मेरा सवाल यह है कि अगर हमने कोई एक आर्गुमेंट दिया है तो उस आर्गुमेंट के हम क्लेम करें फिर इसके वारंट दे फिर एविडेंस उसके बाद हमने उसके कंक्लूजन भी वहां पे देने हैं एक आर्गुमेंट देने के बाद या उस आर्गुमेंट को बाद में लास्ट में जाके ऐसे के लास्ट में जाके कंक्लूजन इसमें मुझे कंफ्यूज हो गया क्योंकि हमने एक आर्गुमेंट देने के बाद उसको प्रूव करे या सारे आर्गुमेंट दे दे उसके बाद लास्ट में जाके इसके कंक्लूजन अच्छा शरीफ मैं अच्छा सबको एक बात क्लियर कर जब आप ये मेरा सेशन ले रहे हैं ना आप छोड़ दें जो बाकी चीजें आपने समझी हैं क्योंकि उनका तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है मेरा बिल्कुल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट प्रूव और आपने तीन चार अल्फाज का इस्तेमाल किया था मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ा मैं आपको सिंपल रूल ऑफ थंब देता हूँ बड़ा सिंपल सा आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट जब आप लिखते हैं आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं आपने वो स्टेटमेंट रिलेट करनी है विद योर स्टांस विद वेयर यू स्टैंड ऑन द टॉपिक दैट्स इट उसे प्रूव करना डिसप्रूव करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज यू आर बैकिंग योर स्टेटमेंट टू दैट स्टांस दैट यू हैव टेकन ठीक है अगर उसमें वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए तो वेल एंड गुड नो प्रॉब्लम लेकिन जो सिंपल मेरा जो रूल ऑफ थंब है जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है एक स्टेटमेंट लिखो विच इज सपोर्टिंग योर स्टांस दैट्स इट उसको प्रूव डिस्प्रूव करना वो एक लंबी कहानी है वो करना है कर दो लेकिन आपका जो स्टेटमेंट होगा वो एक या दो लाइन का होगा आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना एक या दो लाइन्स का आर्ग्यूमेंट हो जाए मे बी तीन लाइन्स का आर्ग्यूमेंट होगा दैट शुड बी बैकिंग अप That should be supporting your stance. That's it. ठीक है मैंने इसके अलावा और कोई चीज नहीं की फरीद आपका क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमें कोई टॉपिक मिल जाता है उसमें हम अपने आर्गुमेंट्स मतलब चार पांच आर्गुमेंट्स में ही जो ऐसे राइटिंग टारगेट है हमारा 1500 वर्ड्स का वो अचीव कर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आर्गुमेंट्स करने की जरूरत तो नहीं होगी नहीं परफेक्ट है जब आपके आर्गुमेंट वर्ड्स अचीव हो रहे हैं दैट्स इनफ दैट्स परफेक्टली फाइन ठीक है सर थैंक यू चलिए जी परफेक्ट हो गया इजाज आपके कोई क्वेश्चन है या आपने पहले से हैंड रेज किया हुआ चलिए परफेक्ट अच्छा अब हमारा हो गया अच्छा आर्गुमेंट्स के ऊपर अब आपको मजीद क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप मेरी जो है डॉक्यूमेंट्स जो मैंने शेयर किए वो पढ़ेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ आपको अंदाजा हो जाए कि मेरा जो आउटलाइन है वो किस तरह से लिखी जाती है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर देखिएगा और अगर आपको और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो मुझे मैसेज करते आई विल शेयर देम विद यू सो दैट शुड बी इनफ अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो अगला पोर्शन होता है वो है वे फॉरवर्ड का वे फॉरवर्ड क्या चीज़ है बेसिकली आपके रिकमेंडेशन है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आपने क्या एनालिसिस किया है और अब आप हाउ डू यू सपोज हाउ डू यू प्रेजेंट अ सोल्यूशन फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड वॉर वाले टॉपिक की ही बात करें तो उसमें वे फॉरवर्ड मेरी कुछ इस तरह की होगी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिख देता हूँ बल्कि रादर देन सेइंग इट आउट लाउड वे फॉरवर्ड फॉर प्रिवेंटिंग वर्ल्ड वॉर ये हेडिंग नंबर 4 है बाय द वे इन माय आउटलाइन 4 ठीक है उसमें अब होगा 4.1 में आई विल राइट डेवलप
our UNO अब आप नोटिस करें ये मेरी फोर्थ हेडिंग है, मैंने फोर लिखा हुआ है इसके सामने और इसमें मैंने लिखा है कि वे फॉरवर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर। उसमें 4.1 पहला जो हमारा वे फॉरवर्ड है या जिसे हम रिकमेंडेशन भी कहते हैं वो है डेवलप बायलेटरल रिलेशंस फॉर पीस, यानी कि दो ममालिक के दरमियान में जो रिश्ते हैं रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह 4.2 में एम्पावर UNO टू मीडिएट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अक़वामे मुत्तहिदा को एम्पावर किया जाए कि वो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन का रोल प्ले कर सके। ये सिर्फ दो हैं, आप इसे ज्यादा भी लिख सकते हैं, तीन या चार भी लिख सकते हैं रिकमेंडेशंस, बट द पॉइंट हियर इज कि आपको अंदाजा हो जाए कि वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेशंस की। अब इससे आगे आपने जब अपने टॉपिक के आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए, सारी डिस्कशन भी कर ली, स्टांस भी दे दी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बेसिकली एक्सप्लेन के व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस। दैट्स ऑल अबाउट वे फॉरवर्ड। दिस इज द फोर्थ हेडिंग ऑफ योर आउटलाइन। और अब पांचवी हेडिंग आ जाती है आपकी कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपकी बेसिकली दो या तीन लाइंस की बेस पे होती है और वो यूजुअली जनरल होती है। उसमें आपने जनरली टॉपिक को एक बार रिपीट कर देना होता है, रीइटरेट कर देना होता है और अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक बार जनरल रीइटरेट करके, एक या दो आर्ग्यूमेंट्स को रीइटरेट करके एक पॉजिटिव नोट पे अपने ऐसे एंड करना होता है। एंड दैट इज बेसिकली योर आउटलाइन, दैट इज बेसिकली योर कंक्लूजन विच इज द लास्ट हेडिंग ऑफ योर आउटलाइन। सो दैट्स ऑल देयर इज टू द एसे स्ट्रक्चर। अब इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब जो है ना आउटलाइन ज़रूर देखें जो मैंने शेयर की हुई है, क्योंकि इस तरह हम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शायद बहुत सी चीज़ें हम मिस कर लें। तो आप आउटलाइन ज़रूर देखें, बल्कि मैं एक आउटलाइन इस सेशन के बाद शेयर कर दूँगा, सिर्फ उस आउटलाइन को ज़रूर देखें। अगले सेशन में उसके बारे में जो भी सवाल आते हैं वो लेके आए, उसमें हम नोट करेंगे एक चीज़ के हेडिंग तो होती है उस आउटलाइन में, लेकिन उसके आगे दो या तीन लाइंस मजीद लिखी होती हैं जो कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन होती है। कंक्लूजन फॉर एग्जांपल सिर्फ एक हेडिंग नहीं है, कंक्लूजन बेसिकली दो या तीन लाइंस पे छोटा सा एक पैराग्राफ है, ठीक है, और वो आपने लिखना है अपनी आउटलाइन में। तो ये बड़ा ज़रूरी है और इसीलिए आप लोग जो आउटलाइन अभी मैं शाम में शेयर करूँगा वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ओवरऑल आउटलाइन लिखनी कैसे, एंड आई इंशाल्लाह दैट वुड हेल्प। तो मस्ट 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 रीड द आउटलाइन दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे, आउटलाइन जरूर पढ़ें इंशाल्लाह, उससे आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन अबू बकर एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जी अबू बकर बताइए। सलाम अलैकुम सर। सर जी ये जो हम आउटलाइंस बनाते हैं पॉइंट बना के 4.1 4.2 करके फिर बाद में सर इन में इनके लिए पैराग्राफ एक ही लिखना होता है या ईच हेडिंग के लिए एक एक पैराग्राफ या सबका कंबाइन एक पैराग्राफ होगा सर? अच्छा देखो आपने अपना ऐसे ओवरऑल तो जाहिर है पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 4.1 पे पैराग्राफ लिखो और 4.2 पे डिफरेंट पैराग्राफ लिखो, आप अगर चाहो तो उनको सेम पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हो, लेकिन जनरली अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि सेपरेट पैराग्राफ में लिखा जाए, उससे आपका जो फ्लो है वो बरकरार रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस माइंड में रखें। व्हाट वाज क्वेश्चन आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है जिस तरीके से इसे के अंदर हमने मिनिमम वर्ड्स और मैक्सिमम वर्ड्स लिखना होता है, उसी के अंदर लिखना जरूरी होता है या फिर हम 2500 की जगह 2000 तक भी लिख सकते हैं या फिर 3000 की जगह हम 3500 तक भी जा सकते हैं? यार मेरी एडवाइस ये है कि ओवर तो बिल्कुल ना जाओ। उसकी वजह यह है कि ज्यादा लिखने के चक्कर में ना आपकी क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। और जहाँ तक बात है ये whether we can write less than 2000 या 2500 words जो भी lower limit है, तो my advice is के you can write less than that, at least जो मेरे साथी थे exam में उन्होंने कम लिखा था, उन्होंने word count से काफी थोड़ा लिखा and they passed, so I don't think इतना मसला होता है, so don't worry about that। अच्छा next है Rimla। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैंने आज ये सेशन ज्वाइन किया है, आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप नोट्स शेयर कर रहे हैं? इफ यू कुड प्लीज अप्राइज मी अबाउट इट। वो जो इमेज पिक्चर शेयर की थी ना उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया मुझे, अगर आप इफ यू कुड रिपीट इट बिकॉज़ ये मुझे रिकमेंड किया गया था ग्रुप फ्रॉम अ फ्रेंड, तो मेरे पास नंबर नहीं है। ये वो नंबर तो मुझे भी याद नहीं है, इस नंबर पे आप करें तो यू विल बी एडेड टू द ग्रुप।
अच्छा, और उसके बाद थैंक यू सोनिया, आप पूछ। सर मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए पॉसिबल होगा अगर हम कोई अपनी एक आउटलाइन बना के आपको भेज दें, आपके लिए पॉसिबल होगा उसको इवैल्यूएट करना? सोनिया आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल आज तक टाइम नहीं है। नो प्रॉब्लम, माय सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज। असगर आपका प्रश्न। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। वालेकुम सलाम उज़ैर भाई, मेरा सामने एक क्वेश्चन है ना, जैसे कि कोई डेमोक्रेसी पे कोई हिस्सा आ जाता है जी, डेमोक्रेसी इज क्योर फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी हम यहाँ पर इस निकल सकते हैं कि हम बिल्कुल डेमोक्रेसी को ही ना एक बुरा नजरिया, जैसे कि पूरा वर्ल्ड में तो डेमोक्रेसी को एक मुकदस समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने सारे मसले के हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए है ही नहीं, हम यहाँ किस तरह बिल्कुल एक्सट्रीम बजा सकते हैं? मेरी एडवाइस ये कि जो टॉपिक है ना उससे स्टिक करें, डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। मुझे आपका जो सवाल समझ आया वो ये है, इधर बात ये हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, अगर आप ये दिस इज द स्टेटमेंट राइट, एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट? नहीं उधर भी जैसे कि डेमोक्रेसी की कोई तारीफ आ जाता है, फर्ज करो कि डेमोक्रेसी हमारे सारे मसाइल का हल है, ठीक है, यहाँ पर हम इससे बिल्कुल डिसएग्री करें बिल्कुल ही। फाइन फाइन फाइन, आप टॉपिक से डिसएग्री कर सकते हैं ठीक है, लेकिन जनरली जो है ना मैंने जो देखा है वो ये है कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, स्टेटमेंट अगर वो है फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पोलिटिकल सिस्टम, इस तरह के टॉपिक्स में आपने अगर सपोर्ट करें तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होता है, रादर देन गोइंग अगेंस्ट इट, क्योंकि उसके आर्ग्यूमेंट्स बनाना मुश्किल होता है, बट यू कैन डेफिनेटली गो अगेंस्ट इट, लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट्स आपने उसके अकॉर्डिंगली जरूर देने, ऐसा नहीं हो कि आप आर्ग्यूमेंट्स आपके कमजोर हो, आर्ग्यूमेंट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, इन एनी केस योर आर्ग्यूमेंट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन यूजली जब आप अगेंस्ट जाते हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट्स की जो है ना वो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लेकिन अल्टीमेटली जो रूल ऑफ थंब है, जो मेरी आपको एडवाइस है वो ये है कि डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक के अगेंस्ट जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो डू इट, यू मस्ट गो अगेंस्ट द टॉपिक इफ यू फील कंफर्टेबल, सो डू व्हाट यू फील इज योर स्ट्रेंथ, अगर आपको लगता है कि आप अगेंस्ट जाके बेहतर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं तो परफेक्टली फाइन, यू कैन गो अहेड। हेलो सर, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू। सर ये आर्गुमेंटेटिव एसे का जो रिकमेंडेशंस है इसके हवाले से क्वेश्चन है कि जो आर्गुमेंटेटिव एसे है जैसे ये वर्ल्ड वॉर वाला था तो इसके अंदर तो हमारे जितने आर्गुमेंट्स हैं वो सारे सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस नहीं होते कि वी कैन अवॉइड वर्ल्ड वॉर थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस, तो उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस अलग से देंगे हम। अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़ा सटल सा डिफरेंस है, आपने अच्छा पॉइंट किया। आर्गुमेंट जब हम देंगे हम बोलेंगे कि हां वी शुड डेवलप डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, वी शुड फोकस ऑन डिप्लोमेसी, लेकिन वे फॉरवर्ड जो रिकमेंडेशन वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे मैंने लिखा है डेवलप बायलैटरल रिलेशंस फॉर पीस, एम्पावर यूएन टू मीडिएट इन कॉन्फ्लिक्ट, सो योर रिकमेंडेशंस आर मच मोर स्पेसिफिक, जहां पर यू फील के आपका आर्ग्यूमेंट सॉरी आपका रिकमेंडेशन और आपका आर्ग्यूमेंट सेम है, वहां पे अपनी रिकमेंडेशन तो मजीद स्पेसिफिक बना दो, ठीक है, या उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, बट रिकमेंडेशन जरूर लिखो, आपका जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन चाहता है उस पर आउटलाइन, ठीक है। सो दैट्स इट, इम्तियाज भाई इज आल्सो हियर, सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू विद अनदर सेशन, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? किसी को काइंडली थम अप करें कोई यहाँ से रिएक्शंस में जाके। थैंक यू इजाज। अच्छा जी, आज हम एक थोड़ा सा जनरल लेक्चर होगा, एक मैंने आपको पास्ट पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करने पाकिस्तान अफेयर्स के, और उसके बाद वी विल डिस्कस उर्दू के हवाले से, क्योंकि उर्दू के लिए आपको एक हम
दो तीन लेक्चर्स हमारी एक बैचमेट है फरीना नकवी वो कंडक्ट करेगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था 2017 में उर्दू के हवाले से उसको लेके फिर आज मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस आपसे डिस्कस करूँगा, उसकी तैयारी कैसे की जाए, इन टू मंथ्स में आप सारी चीज़ों को कवर किया जाए, तो उस पर फिर हम उर्दू के पास पेपर और सिलेबस को ज़रा आज एनालिसिस करेंगे उसकी। अच्छा जी, ये कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन GB 2017 का पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कंबाइन होता है, लेकिन मैंने सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में जो चार क्वेश्चंस आए उनको वहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इसको इसकी प्रेजेंटेशन में ऐड किए, और ये प्रेजेंटेशन सबके लिए विजिबल है क्योंकि मैंने आज ये वर्ड PDF के जगह पे वर्ड फाइल में बनाई है, क्योंकि मुझे एक इसमें से एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना था। ठीक है। अच्छा, इसमें चार क्वेश्चंस हैं, फोर क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पार्ट में, जो पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट है, और आपने जब 2017 में हमने दिया तो हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे क्योंकि उस टाइम पे MCQs नहीं आया था, लेकिन इस साल पॉसिबल है कि 30 मार्क्स का MCQs हो, तो आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 करंट अफेयर्स के पोर्शंस हैं और 2 पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शंस हैं। अगर इनकेस MCQs नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में से 5 करने हैं, लेकिन एक साइड से आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करने, इट मीन्स कि आप पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन से 3 कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के पोर्शन से 2 कर सकते हैं, या आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन से सवाल ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आप 3 वहां से और 2 यहां से कर सकते हैं। ये उस केस में अगर MCQs नहीं आते आप और आपको 5 क्वेश्चन करने हो। अच्छा, इस पे अगर हम देख लें, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो पहला जो क्वेश्चन है वो अलीगढ़ मूवमेंट पे है। अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड अ वाइटल रोल इन अवेकनिंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, व्हाट रोल इट प्लेड इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय गिलगित बल्तिस्तान इन द सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन हेल्थ, गिव योर रिकमेंडेशंस टू मिटिगेट द ऑब्स्टिकल्स। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, give your recommendations to boost to overcome these constraints। ये आज मैंने इसको डिटेल में कोशिश की है सॉल्व करने की, एक आउटलाइन के फॉर्म में ये नीचे हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है द अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाई द यंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वट स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू एड्रेस दिस चैलेंज, डिस्कस कम्प्रिहेंसिवली। अच्छा, ये पेपर देख के अंदाजा हो जाता है जो पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन है वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आए, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर मैंने कल भी मेरी मैंने लेक्चर में आपसे बात की थी, अगर सिर्फ आप प्री पार्टीशन पे ज्यादा फोकस ना करें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, वहां से आप सिलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मोमेंट्स हैं, अलीगढ़ मोमेंट, फरजाई मोमेंट, और फिर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है शाह वलीउल्लाह, सर सईद, ये जितने भी जो कुछ टॉपिक्स बनेंगे 5 to 10 के रेंजेस में, उसमें से अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर लेंगे तो फिर आपका प्री पार्टीशन ईजिली कवर हो जाएगा। लेकिन मेरे आपको एडवाइस ये है कि आप कोशिश करें पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चन ज़्यादा से तो
major problems, security challenges being faced by Pakistan, वो perception vary करेगा. तो उसमें आपको difference के लिए कोशिश की है कि उसको किस तरह हमें solve करना चाहिए. तो इस पे तो आपका पहला heading है वो किसी भी उसका intro होना चाहिए. अच्छा, इंट्रो में कल जिस तरह मैंने कल बात की थी सर सईद के क्वेश्चन के हवाले से, कि मैंने कहा था कि आप स्टार्ट किसी कोटेशन से ले लें, इससे आपका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन पर अच्छा पड़ेगा. इसमें मैंने ये लिखा, द वीक एंड डिफेंसलेस इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनवाइट एग्रेशन फ्रॉम अदर्स. ये कायदे आजम का एक कोटेशन है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से रिलेट करता है. जो भी जो कौम हो, जो वीक हो या डिफेंसलेस हो इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, वो दूसरे जो स्टेट से या नेशन से वो एग्रेशन इनवाइट करता है. अगर आपको ये कोटेशन याद हो तो आप ये कोटेशन आप लाजमी याद कर ले, अपने पास नोट कर ले, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंज पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको वहाँ भी कोट कर सकते हैं. जो वाटर क्राइसिस पे अगर आता है तो वहाँ भी आप इस चीज को कोट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर क्राइसिस इज एन इशू, इज ए चैलेंज, इज ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान. ठीक है, क्योंकि जो अगर आपने वाटर क्राइसिस को अगर डिटेल में पढ़ा हो या उस पर एक सवाल तैयार किया हो, तो इंडिया वाटर क्राइसिस को जो तीन रिवर उनके पास है उनको यूज करते हैं, पाकिस्तान को डिफरेंट ओकेजन्स पे थ्रेट करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है. तो ये एक वाटर क्राइसिस भी एक सिक्योरिटी इशू है. ठीक है, इसी तरह फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, ये सारे चैलेंजेस हैं. तो ये अगर पाकिस्तान इन फ्रंट पे वीक होगा तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान के नाइबर्स है या जो इनिमीज है वो इन चीज़ को यूटिलाइज करेगा, उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करेगा. तो ये एक जनरल कोटेशन है जो चैलेंजेस, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, टेररिज्म पे हो, और इसी तरह बॉर्डर इश्यूज पे हो, कि आप वहाँ उस पर वोट कर सकते हैं. अच्छा, फिर इस पे आपने इंट्रो में लिखना है कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है. सिक्योरिटी इज द एब्सेंस ऑफ रियल और परसीव्ड थ्रेट. ठीक है, चाहे जो वो इंटरनल सोर्सेज से हो या एक्सटर्नल सोर्सेज से हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिसपैरिटीज हो या इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हो. तो आपने थोड़ा इसको सिक्योरिटी को डिफाइन किया. इसी तरह फिर आके आपने मैंने ब्लू के फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपने उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है मैंने, ताकि आपको मकसद पढ़ाना नहीं है, आपको जस्ट गाइड करना है कि आपने सवाल को किस तरह एड्रेस करना है. तो टू डील इफेक्टिवली डील विद सच थ्रेट, नेशन सीक्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर and take adequate measures to ward off or to minimize their perceived adverse impact on the country. ठीक है, इसी तरह अगर internal या external challenges हो तो state क्या करते हैं उस threat को minimize करने के लिए या उसकी जो perceived impact को, adverse impact को कम करने के लिए, वो political, military and economic पावर गेन करने की कोशिश करता है. इसी तरह जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, डोमेस्टिक या रीजनल इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है. उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल चैलेंजेस. और इसके साथ आप ये जो डायग्राम है या फ्लो चार्ट है इस तरह बना सकते हैं आप, सिक्योरिटी चैलेंजेस बींग फेस्ड बाई पाकिस्तान, उसको अच्छा, तो उसको आप ठीक है, तो उसको आप डिफरेंट फ्लो चार्ट्स पे बना सकते हैं कि प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, फिर उसको डिवाइड कर ले डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंजेस पे, फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस को आप आगे देख लें कि कौन कौन से चैलेंजेस है. इसी तरह इंटरनल चैलेंजेस पे आप
आगे उस फ्लो चार्ट को या डायग्राम को एक्सटेंड करें, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा एग्जामिनर के पास कि आपने उसको एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल व्यू के साथ अपने आंसर्स को आपने सपोर्ट किया है। इसी तरह फिर आपका पहला जो हेडिंग है वो इंट्रो है, उसके बाद जो आपका हेडिंग होगा वो एक्सटर्नल चैलेंजेस, क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि मैं डिस्कस करूँगा इसको दो सेक्टर पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्टर पे। अब आप एक्सटर्नल सेक्टर पे जो चैलेंजेस आपका मेन हेडिंग हो गया, उसके ऊपर सब हेडिंग है एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इट्स इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम इंडिया। आपका नाइबर कंट्री है जो आपका एनिमी है इंडिया से, आपको आपकी इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए वहाँ से आपका थ्रेट है, उसमें आप कश्मीर इज वन ऑफ द मेन इश्यूज विच वी आर डीलिंग विथ इंडिया। तो पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इट्स इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी राइट फ्रॉम इट्स बर्थ। ठीक है, 1947 से ही पाकिस्तान को डिफरेंट एनडीए के साथ काफ़ी इश्यूज, काफ़ी बॉर्डर इश्यूज या डिफरेंट इश्यूज का सामना है, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से हो या इंडिपेंडेंस के हवाले से हो। इसी तरह जो पाकिस्तान है इट्स ए सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से भी हमारा ड्यूरन लाइन का जो डिस्प्यूट है जो कि पहले रिजॉल्व हो चुका है टू सम एक्सटेंट, इंडिया इस चीज़ को भी यूटिलाइज करता था ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो रिलेशन है वो एक इक्रोमोनियस रिलेशन रहे और वो ब्रदर रिलेशन ना रहे। ठीक है, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी परसेप्शन हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेट्स ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं बुक में या इवन आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि पाकिस्तान का इंडिया और पाकिस्तान का अफगान के साथ रिलेशन हमारे लिए एक एक्सटर्नल चैलेंजेस है इंडिपेंडेंस को या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। इसमें मैंने थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर ली हैं, आपने ये इसको पूरा एक पैराग्राफ है फॉर्म में लिखना है। स्पेसिफिकली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैज़ बीन विद इंडिया, हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो फोकस करते हैं इंडिया पे, उसी की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी के बाकी डिटर्मिनेंट्स इसी हिसाब से हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो थ्रेट फ्रॉम इंडिया है। तो इस पे हम मैं बार बार इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको साथ साथ एडमिट भी करना होता है। अच्छा, तो जो इंडिया है हमारे सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया पाकिस्तान के लिए, और इंडिया से और अफगानिस्तान से जो थ्रेट है वो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स के लिए या फॉरेन पॉलिसी मेकर के लिए एक चैलेंज है कि हम इन थ्रेट को किस तरह डिफ्यूज करें या किस तरह वार्ड ऑफ करें कि पाकिस्तान इनकी एडवर्स इम्पैक्ट से महफूज रहे, प्रोटेक्ट रहे। इसी तरह पार्टीशन, जब से पार्टीशन हुआ है पाकिस्तान और इंडिया हैव फॉट 3 मेजर वॉर्स एंड विटनेस 2 लार्ज बॉर्डर क्लेशेस, उसमें रन ऑफ कच्छ है 1965 में, करगिल का वॉर है 1999 में, और 1948, 65 एंड 71 का वॉर है। ये सारी हमारी इंडिया के साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से ये सारी वॉर और बॉर्डर क्लेशेस हुए, और जो डिस्प्यूट है कश्मीर का हैज़ बीन एंड इन मेनी वेज स्टिल टू बी कंटिन्यू द मेन सोर्स ऑफ कंटिन्यूड एंटागोनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। और जो कश्मीर का डिस्प्यूट है वो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान एंड इंडिया अपने रिलेशन, जो भी रिलेशन है चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल उस पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो, वो सारी चीज़ें इस कश्मीर के इर्द, कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसके इर्द गिर्द सरकार करती है, क्योंकि उसी से पाकिस्तान और इंडिया की बाकी सफेयर्स में जो रिलेशंस होती है या कोऑर्डिनेशन होती है वो डिटरमाइन करता है। तो आपका एक चैलेंज है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिया की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसको यूज़ करते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करता है। इंडिया कोशिश करता है कि सीपैक
जो पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर तस्वीर किया जाता है उसको इंडिया कोशिश करता है कि सबोटाज करने की बलूचिस्तान में डिस्टेबिलिटी क्रिएट करके। और इसी तरह जो सेकंड चैलेंज और जो आजकल भी इम्पोर्टेंट है ये है थ्रेट्स इमिनेट्स फ्रॉम करंट डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चूंकि यूएस के विड्रॉल के बाद अब तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो इंस्टेबिलिटी आएगी उसमें जो चेंजेस आने की वजह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजेस सिक्योरिटी स्पेसिफिक चैलेंजेस का सामना होगा। वो इन सूरत में कि जो आईएसएस है तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो हो सकते हैं अफगान सॉइल को दोबारा यूज करे एज ए लॉन्च पैड टू ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। ठीक है, वो वहाँ पे सेफ हेवन लेंगे और वहाँ से ऑपरेट करके पाकिस्तान में डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इसी तरह जो पावरफुल एक्टर्स है फॉर यूएस और इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया, वो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है उसको यूज़ करके हमारे बलूचिस्तान प्रोविंस में वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं और ताकि वो जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना के साथ सीपेक उसको सेबोटाज किया जाए। तो ये दो एक्सटर्नल मैंने चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हमारा है इंटरनल चैलेंजेस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है। चैलेंजेस सिक्योरिटी चैलेंजेस मैंने आपको पहले बता दिए कि सिक्योरिटी चैलेंजेस आजकल सिर्फ जंग को नहीं कहा जाता है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे होता है। जिस तरह ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जब से ये टेररिज्म का आया है तब नॉन सिक्योरिटी चैलेंजेस पे आए। तो इंटरनल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि आजकल जो भी कंट्री जो भी नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर सकता है। वो हर हवाले से एक अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने में है, फ्रेम करने में वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने एक दो तीन फैक्ट निकालने की कोशिश की। करंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 2020 और 21 में जो हमारी करंट जीडीपी ग्रोथ है 3.94 और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.8 एनुअल, इसकी बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअल हर साल 1.8% से इंक्रीज कर रही है। इसी तरह इन्फ्लेशन जो 2020 और 21 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 8.9 रहा। तो ये जो 3.9 इस ए बेटर ग्रोथ अगर हम इसको कंसिडर किया जाए प्रीवियस 2 से 3 साल, बट इट्स स्टिल लो। ठीक है ना, वी नीड टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग इकॉनमी सो दैट हमारी जो दूसरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ है वो रिलेशन हम एक इंडिपेंडेंट रिलेशन अख्तियार करें, इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी हम अख्तियार करें। इसी तरह इकोनॉमिक चैलेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इकोनॉमिकली चैलेंज आप स्ट्रॉन्ग होंगे तब ही आपके बाद दूसरे जो आपके नाइबर कंट्रीज है या बाकी जो दुनिया में ममालिक है वो आपके बात मानेंगे। हमने IMF बेल पैकेजेस हर साल हर गवर्नमेंट ने IMF से बेल पैकेजेस लिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था। इसी तरह इम्बैलेंस ट्रेड है हमारी, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो ये सारी चीज इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इस पे आपने 1 से 2 पैराग्राफ अच्छे से लिखना है और इकोनॉमिक चैलेंजेस पे चाहे वो इकोनॉमिक इशू पे कोई क्वेश्चन आए या इसी तरह ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट पे आया हुआ है तो आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 और 2021 को लाजमी पढ़ना है और वहाँ से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपने हमने नोटबुक में नोट करनी है ताकि वो आप एज ए फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने पेपर में यूज़ कर सके। इसी तरह सेकंड चैलेंज इस इंटरनल टेररिज्म का है। टेररिज्म इज़ ए बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज अफगानिस्तान में हालात दोबारा चेंज हो गए हैं तो टेररिज्म हमारी कंट्री में और सेक्टेरियन इशू और भी बढ़ सकते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसी तरह वाटर क्राइसिस इज ए वेरी बिग इशू फॉर पाकिस्तान और कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के ऊपर होगा, वाटर के ऊपर होगा। और हमारे जो इनिमी कंट्री है इंडिया वो हमारी सारी जो रिवर जो फ्लो करते हैं वो
उसके ओरिजिन इंडिया से है तो वो वहाँ पे बैठा है, वो उसको बार बार ब्लॉक करता है, वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक वाटर क्राइसिस, वाटर इशू जन्म दे और इस बेसिस पे वॉर हो सकती है। तो ये वाटर क्राइसिस भी एक सिक्योरिटी इशू है। इसी तरह फूड सिक्योरिटी, डेफिनेटली जो फूड सफिशेंट वर्ल्ड होगा वो एक वेरी सिक्योर स्टेट माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको अपनी आबादी को फीड करने के उस एक सफिशेंट उसके पास खुराक मौजूद हो, तो इन एनी केस अगर वॉर के टाइम पे वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो फूड सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो 1.8% उसकी एनुअल ग्रोथ है, तो आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन हम उनको फीड करने के लिए हमारे हमारे पास एक फूड सिक्योर नहीं है, वी आर ए फूड इनसिक्योर कंट्री, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से ये फूड सिक्योरिटी हम भी हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अब मैंने ये चैलेंजेस डिस्कस कर लिए है, ऊपर दो या और नीचे चार चैलेंजेस, ये टोटल हो गए 6 चैलेंजेस। आप जो रिकमेंडेशंस होगा इन्हीं जो 6 चैलेंजेस हैं उन पे अगर आप एक एक रिकमेंडेशंस दें तो आपका 6 रिकमेंडेशंस होगा। यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा बिल्कुल एक जनरल बना दिया, क्योंकि ये है, पहला रिकमेंडेशन हो सकता है क्रिएटिंग कंडिसिव एटमॉस्फियर टू द रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स स्पेशली द कश्मीर इशू। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया जो एक जो सिक्योरिटी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, उसको हम मिनिमाइज इस तरह कर सकते हैं कि हमारे जो आपस में जो रिलेशन है वो एक कंडिसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, हमारे आपस में ट्रेड हो, सोशल या कल्चरल लिंकेजेस हो, ताकि जो टेंस रिलेशन है या टेंस एटमॉस्फेयर है वो थोड़े से कम हो जाए और फिर हम इजीली कश्मीर की डिस्प्यूट को जो कि वही इम्पोर्टेंट है उसकी रिजॉल्व के लिए, उसकी सॉल्यूशन के लिए चलें। इसके लिए हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले सकते हैं, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, ट्रेड आपस में किया जाए और कल्चरल और सोशल लिंकेजेस क्रिएट हो। जिस तरह वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे करतारपुर का इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसी तरह दोनों अच्छे मेजर्स लें ताकि एक कंडिसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो और जो इश्यूज है और स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स है, रन ऑफ कच्छ का हो गया या करगिल का हो गया और कश्मीर हो गया, उनको एक सार्क या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस यूज़ करके उनकी सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। सेकंड, अडॉप्टिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटजी टू डील विद चैलेंजेस इमिनेटिंग फ्रॉम इंस्टेबल अफगानिस्तान। इट इज़ द नीड ऑफ टाइम कि पाकिस्तान को अपनी एक फॉरन पॉलिसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के तहत चलानी पड़ेगी और इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि तालिबान से कि जो अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज ना हो, ना आइसिस और ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉइल को यूज़ करे पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने में। तो ये भी एक पाकिस्तान को कोई एक फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी मेकर है फॉरेन ऑफिस को, कि वो ये चीज़ें इंश्योर करें तालिबान के साथ, उनको रिकॉग्नाइज करने से पहले कि पाकिस्तान की तालिबान ये इंश्योर करेगा कि अफगान का जो सॉइल है अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई यूज़ नहीं करेगा। तीसरा, आप इसी तरह रिकमेंडेशन दे सकते हैं, टेकिंग स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू अमेंड द इकोनॉमिक इश्यूज। हमारी इकोनॉमिक इश्यू की एक जो प्रोग्रेस है, वी शेप प्रोग्रेस कर रही है, 3% हमारी जीडीपी ग्रोथ हो गई है, तो इट्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, लेकिन और भी हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस या इश्यूज कवर हो जाए। थर्ड, फोर्थ हो सकते हैं इरेडिकेटिंग द मेनेंस ऑफ टेररिज्म बाय इंप्लीमेंटिंग नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उस हवाले से इसको कवर कर लें। तो टेररिज्म पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 to 4 ईयर्स से हमने इस पर एक्शन लिया और अभी हालात काफ़ी बेहतर है, बट अफगानिस्तान में जो चेंजेस आई है उससे पॉसिबल है कि टेररिज्म
का जो मेहनत है वो दोबारा से स्टार्ट हो, क्योंकि वहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि रिफ्यूज इन्फ्लक्स बढ़ेगा, तो फिर हमारे अफगान बलोचिस्तान एंड के पी के का प्रोविंस है वहाँ पे, जब वहाँ से रिफ्यूजीज आएंगे तो टेररिस्ट उनके उनके उस पर भैंस बदल के यहाँ पे पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं, तो ये टेररिज्म को फिर हम एक बिल्कुल यहाँ से कंट्री से ख़त्म नहीं हुआ है, टू सम एक्सटेंट बेटर हुआ है, लेकिन इस चीज़ को इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2016 में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन लेटर एंड सेपरेट। इसी तरह रिजॉल्विंग द वाटर क्राइसिस शुड बी द टॉप एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी जो गवर्नमेंट है, चाहे करंट गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, उनको जो वाटर क्राइसिस को एक सिंसियरिटी के साथ उसको एड्रेस करना चाहिए, प्रोविंस के जो वाटर क्राइसिस के हवाले से जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने चाहिए, कोशिश करने चाहिए कि डैम्स बने, स्मॉल डैम्स बने, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो हमारी वाटर पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वाटर इंटेंसिव जो मैकेनिज्म है उनको कम किया जाए, जो जिन फसल जो फसल वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस किया जाए उन फसल से जो वाटर कम यूज़ करते हैं। इसी तरह डिफरेंट एग्रीकल्चर के टेक्निक्स हैं जिससे हम कम पानी एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इसी तरह मेकिंग पाकिस्तान ए फूड सफिशिएंट कंट्री बाय टेकिंग वेरियस मेजर्स, फूड सफिशिएंट कंट्री हम इस एग्रीकल्चर पे फोकस करके ही बना सकते हैं, पाकिस्तान को एक फूड सफिशिएंट कंट्री अगर हो जाए तो फिर एक ये सिक्योर कंट्री तस्वीर किया जाएगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट की फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे होना चाहिए। फिर आपको जो पांचवा हेडिंग होगा वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने जो तमाम चीज़ें आपने ऊपर डिस्कस की है आपने उन सबको जी राणा साहब जी जी हेलो तो कंक्लूजन में आपने जितने भी इंट्रो से लेके चैलेंजेस से लेके रिकमेंडेशंस तक जो भी आपने डिस्कस किए उनको सम अप करना है आपने कंक्लूजन में 3-4 सेंटेंसेस मेक करूं। ठीक है हेलो जी नारायण सर मैं कर रहा हूँ अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन वो कॉल आई थी। तो इस तरह आपने अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करने हैं, चाहे जो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्वेश्चन आए या आपको मेजर प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय गिलगित बल्तिस्तान का है, इस तरह आपने अपने आंसर्स को हेडिंग के फॉर्म में ग्राफ्स के फॉर्म में डिफरेंट आपने उसको टूल्स यूज करके आंसर अटेम्प्ट करने। अच्छा ये अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप अगर ये नोट कर लें इकोनॉमिक ये जो रिपोर्ट है पाकिस्तान का 2021 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 और 2020 और 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिटेल रिपोर्ट है उस पे उसका आपको इकोनॉमिक इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान पे
जो एक इशू है उस पर एक क्वेश्चन लाजमी आएगा एट एनी कॉस्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स के पोर्शन से हो या पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन से हो। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लेना है, इस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन है उस पे अगर आप देख ले तो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए वहाँ पे वो स्टेप वाइज डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ वो ग्रुप में शेयर हो, लेकिन आप इसको गूगल से देख सकते हैं। इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक इशू के हवाले से, या ट्रेड के हवाले से, सीपेक के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जीबी के हवाले से, आप जिस तरह 2017 में क्वेश्चन आया था कि हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप कुछ जीबी के हवाले से आप टॉपिक्स लाजमी कवर करें, हेल्थ को कवर करें, एजुकेशन का कवर करें, तीसरा सीपेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चौथा आजकल जो टूरिज्म जीबी में प्रमोट हुआ था, टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुआ था, उस पर भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो आपने टूरिज्म को लाजमी आपने तैयार करना है। इसी तरह जीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको आपने लाजमी देखना है, उसको वो लिंक कर सकते हैं। इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया था कश्मीर में, उससे वो रिलेट करके एक सवाल बना सकते हैं। तो आपने उस चीज़ को उस एंगल से भी आपने तैयार करना है, ठीक है। और ये तीन चार चीज़ें आप जीबी के हवाले से तैयार कर लें, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, और इसके बाद सीपेक, टूरिज्म, और फिर उसके बाद जीबी पे इन्वायरमेंट पे भी आ सकता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स, डिफरेंट फ्लड्स आ रहे हैं हर जगह पे, उसकी क्या रीज़न है, इन्वायरमेंट पे भी आ सकते हैं, सीपेक पे भी आ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जीबी, इस पे आप एक क्वेश्चन लाजमी तैयार कर लेना। ये 5 से 6 जो सेक्टर है जीबी के हवाले से, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप काइंडली इन 5 से 6 टॉपिक्स को अच्छी तरह हर एंगल से एड्रेस करें। उसी तरह जो आजकल पाकिस्तान अफेयर्स में पोस्ट पार्टीशन से आ सकते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस, मैंने आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंगल करिकुलम के चल रहा है एजुकेशन के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर कर लें आप। इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशन इम्पोर्टेंट है, यूएस के साथ रिलेशन इम्पोर्टेंट है, चाइना के साथ इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान के इम्पोर्टेंट है, सीपेक इज वेरी इम्पोर्टेंट, 18 अमेंडमेंट देख लें, ठीक है। 18 अमेंडमेंट को आप जीबी से भी उसको ज़रा लिंक करके देख लें कि जो फेडरल डिविजिबल पूल है एनएफसी अवार्ड, उसमें जीबी को शेयर नहीं दिया गया, उस पर आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको सर जुनेद डिटेल में उस पर एक लेक्चर भी देंगे मेरे ख्याल से, और वो जुनेद साहब आपको बता देंगे किस तरह उसको कवर करना है। तो आप लिस्ट आउट कर लें जो डोमेस्टिक जो करंट इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उन पे फिर आपने हर क्वेश्चन को आप इंटरनेट से तैयार करें और उसकी एक आउटलाइन बनाएं, जिस तरह मैंने नीचे क्वेश्चन बना के दिखाया आपको, इस तरह आप एक आउटलाइन अभी 1 पेजर या 2 पेजर आउटलाइन बना लें और इस तरह आप उसकी तैयारी कर लें पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। और कोशिश करें पाकिस्तान अफेयर्स में, क्योंकि ट्रिगर मोमेंट सिर्फ प्री पार्टीशन से एक क्वेश्चन आया, इट मीन्स कि बाकी 3 क्वेश्चन पोस्ट पार्टीशन के आएंगे या करंट इश्यूज पे आएंगे। तो मेन फोकस आप करंट इश्यूज को करें तो आपको 3 में से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और प्री पार्टीशन में आपने फेमस पर्सनैलिटीज और जो मोमेंट्स हैं वो लाजमी करने हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक सवाल वहाँ से हो जाएगा। इसी तरह कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के जो स्पीचेस हैं वो आप उसको भी कर सकते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा उर्दू के हवाले से, क्योंकि 2017 में जब मैंने दिया था तो मैंने अपनी उर्दू के हवाले से स्ट्रेटेजी किस तरह अपनाई थी, किस तरह इसको तैयार किया था, उस पर हम फिर फोकस करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो
आज के इस लेक्चर के हवाले से रिलेटेड टू जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाया है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सेगमेंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. जी वकास, आपको म्यूट कर दिया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मुझे ये जो आपके पास करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से कंबाइन ये टोटल क्वेश्चंस करने होते हैं या फिर अलग अलग से करने होंगे? नहीं, आप ना करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कंबाइन आता है, ठीक है? जी सर, अगर लेकिन सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ. जी जी, मैं बता रहा हूँ. 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? अगर 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आ जाता है तो बाकी रह गए 120 मार्क्स, ठीक है? तो फिर आपने करंट अफेयर्स के पोर्शन से दो सवाल और पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन से दो सवाल करने, ठीक है? चार सवाल. अगर इन केस, हाँ, अगर इन केस जिस तरह 2017 में जब मैंने दिया था तब एमसीक्यूज नहीं आया तो उन्होंने कहा था पाँच सवाल करने हैं, लेकिन एटलीस्ट दो दो सवाल पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन से और दो सवाल करंट अफेयर्स के पोर्शन से, तो दो दो लाजमी करने हैं, ठीक है? जो आखिरी क्वेश्चन होगा पांचवा, वो आपकी मर्जी है, आप करंट अफेयर्स से भी कर सकते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के कोई टॉपिक्स है जो कि हमारे पास करंट अफेयर में भी लाइक कर रहे और पाकिस्तान अफेयर्स में इस तरह, हाँ, टॉपिक्स बहुत सारे हैं. इकोनॉमिक चैलेंजेस पे हो सकते हैं वो करंट अफेयर्स में सवाल दे, या हो सकते हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स में डाल दें. इसी तरह जो एजुकेशन पे है या जी, ये उर्दू का सिलेबस है. अगर आप यहाँ पे देख लें तारीख जबान उर्दू अदब 35 मार्क्स का यहाँ से आएगा, तलखीज 15 मार्क्स का है, मजमून 25 मार्क्स का है, और नज़्म और नसर की तशरी 40 मार्क्स का है, शोरा के अफकार की तनकीद का जायज़ा 35 मार्क्स का है, टोटल 150 मार्क्स का, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2017 का उर्दू का पेपर भी मैंने आप यहाँ पे मेंशन किया. इसमें आप देख लें, पहले तो पहला मजमून है, दूसरा जो क्वेश्चन है दर्जेल में से दो उनवान पर नोट लिखे हैं. ये जो 45 मार्क्स का जो है ना तारीख जबान और अदब, ये जो दो सवाल हैं, सवाल नंबर दो और तीन, ये यहाँ से आए. 10 मार्क्स के दो नोट लिखने हैं आपने, और क्वेश्चन नंबर थ्री आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है? तो ये 35 मार्क्स का है, आपने इस पोर्शन को अच्छे तरह तैयार करना है, अच्छे तरह तैयार करने, क्योंकि दूसरा इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको ऐसे पे ऐसे के ऊपर भी होगा. 25 मार्क्स का जो मजमून है उसके ऊपर भी होगा. अगर हम देख लें 2017 में जो ऐसे आए, उर्दू में नातिया शायरी की रिवायत, उर्दू में अदबी सहाफत का रिवायत, गालिब की शायरी, ये सारी चीज़ें इसी पोर्शन से उठाई है, तारीख ज़बान व अदब से. अगर आप ये पोर्शन जो तारीख जबान और अदब कर लेंगे तो आपका 35 प्लस 25 मार्क्स जो एरिया होगा 60 मार्क्स बनते हैं ऑलमोस्ट, वो कवर हो जाएगा. इसमें आप देख लें उर्दू जबान है, उसके मुख्तलिफ अदवार, उसका पस मंज़र, अगर हम इस पे क्वेश्चन देख लें तो उर्दू के मुख्तलिफ नाम, ठीक है, उर्दू और पंजाबी के लसानी इस तरह का वो जो तरीक़ात हो गया, उर्दू के फ़रोग में सूफिया का किरदार, हिंदू उर्दू तनाज़िया, ये सारी चीज़ें 35 मार्क्स का इस पोर्शन को आपने लाजमी तैयार करना है. आपने सबसे पहले पोर्शन तैयार करना है, इससे आपका ऐसे भी कवर हो सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन आएगा ये दोनों क्वेश्चन नंबर टू और थ्री, ये यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अलीगढ़ तहरीक है, उर्दू नसर के फ़रोग और अर्तका में अलीगढ़ तहरीक का हिस्सा,
तरक्की पसंद तहरीक का आरूफी मुतालिया, ये सारी जो है दो से पहला एसे और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये आपका इस पोर्शन से आएगा जो 35 मार्क्स का है। इसमें उर्दू जबान है, उसके मुख्तलिफ अदवार है, बरसगीर में उसकी आमद है, लसानी असरात क्या है, मुस्लिम सकाफत और उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान और अदब की इस्लामी शिनाख्त क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। उर्दू ज़बान का अरबी, फारसी, बलोची, पश्तो, सिंधी और पंजाबी से ताल्लुक, क्योंकि ये एक पंजाबी से ताल्लुक पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ये आप देख ले 2017 में उर्दू और पंजाबी के लसानी इश्तरकात, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, दूसरे पे क्या इम्पेक्ट है, इस पे सवाल आया हुआ है। इसी तरह फिर आपने उर्दू अदब का इर्तका दौर कदीम और दौर जदीद, इसकी डेवलपमेंट 19वीं और 20वीं सदी में तरीके क्या क्या थे, उर्दू उर्दू अदब की अदबी रवायात, उर्दू अदब पाकिस्तान का दौर, फिर पाकिस्तान में उर्दू अदब की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या डेवलपमेंट रही है, कौन कौन सी मूवमेंट चली है, ये जो पोर्शन है आपका 35 मार्क्स का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको हर एंगल से किसी अच्छी बुक से अगर आप हर टॉपिक को तैयार करेंगे तो फिर आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी सही होगा और जो उर्दू एसे होगा 25 मार्क्स का है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा जो आपका पोर्शन है, आपने उर्दू अदब का करने के बाद दूसरा पोर्शन है आपको शोरा और मुसन्निफ के बारे में, ठीक है। जो नसर है लेफ्ट साइड पे, जो नसर है शिबली नोमानी, अब्दुल हक, चौधरी फजल हक, अब्दुल्ला हुसैन है, बानो कुदसिया है, मुश्ताक यूसुफी है, ये तकरीबन 7 हैं। अच्छा, इस पे आपने करना ये है कि उनके आगे नसर भी दिए हुए, सीरत-उन-नबी है, जिंदगी, उदास नस्लें, कपास के फूल, आपने करना ये है कि एक तो शिबली नोमानी है उसके ऊपर आपने वो कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उसके बारे में एक डिटेल आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। फिर उसके बाद सीरत-उन-नबी, क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स है, सीरत-उन-नबी की काफ़ी जिल्दें भी है, उसको आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपने करना ये है कि या किसी बुक से या गूगल से या इंटरनेट से आपने सीरत-उन-नबी की एक कंप्रिहेंसिव समरी आपने कहीं से निकाल के उसको पढ़ना है। उसको पढ़ के आपने अपने पास बुलेट पॉइंट्स में नोट बना लें और उसकी समरी आप इस तरह तैयार करें कि आप हर जो बुक के जितने भी मरकज़ी ख्याल है उसमें कौन कौन से करेक्टर शामिल है वो सारी चीज़ें आप डिटेल में कवर कर लें ताकि आपको फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आप, क्योंकि अगर आप ये शिबली नोमानी के बारे में और सीरत-उन-नबी की समरी तैयार करेंगे तो आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो इसी पे है, दर्ज़ेल दो शोराओं के फ़न और फ़िक्र का उनका तज़किरा मज़कूरा किताबों के हवाले से करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाली है, अच्छा ये नज़म के हवाले से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, शिबली नोमानी, सीरत-उन-नबी, सीरत-उन-नबी के को रेफरेंस बनाते हुए आपने शिबली नोमानी की फ़िक्र और फ़न का उनके एक एनालिसिस करना है। इसी तरह अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें हैं, अब्दुल हक के हैं, तो आपने ये जो पोर्शन है नसर का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने हर जो नसर निगार लिखे हुए हैं इनकी सीरत-उन-नबी, ज़िंदगी, उदास नस्लें, इनकी एक अच्छी सी समरी बनानी है और इनके ऊपर एक फिक्री और फ़नी जायज़ा भी बनाना है, 10 से 12 पॉइंट्स हो तो काफ़ी है। इसका फ़ायदा आपको जो क्वेश्चन आएगा इक्तिबास की तशरीह उसके लिए भी होगा, अगर आप इसकी समरी अच्छे से तैयार करें तो आगे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इक्तिबास की तशरीह आएंगे वो इन्हीं किसी एक नसर में से होगा। लास्ट टाइम 2017 में सीरत-उन-नबी से लिया गया था, अगर आप इसकी जो समरी को अच्छे से तैयार करेंगे तो फिर आप उसकी उसका जो सियाक व सबाक की तशरीह ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस पर उसके मुसन्निफ का नाम और नसर का नाम भी लिखना होता है, उसके अलग मार्क्स हैं, वो सॉलिड मार्क्स हैं, तो अगर आप इसकी समरी अच्छी तरह तैयार करेंगे, उनके जो नसर निगार है उनके ऊपर एक अच्छे से नोट बना लेंगे, चाहे वो किसी बुक से आप देख लें या इंटरनेट से देख लें, इस तरह आपने ये नसर का पोर्शन करना है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है उर्दू की तैयारी में, उर्दू अदब और ज़बान के बाद नसर का पोर्शन है, नसर के जो 7 नसर निगार दिए हुए हैं और उनके रिस्पेक्टिव जो नसर है उनको आपने रेफरेंस बनाते हुए
एक हर नसर निगार को आपने कवर करना है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो नज़्म है, शायर आपकी शोरा, मीर गालिब हाली इकबाल जालंधरी फेस मजीद अमजद मुख्तार सिद्दीकी नासिर काजमी। लास्ट टाइम हमारे लिए नासिर काजमी का भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन इस साल नासिर काजमी का नहीं है, लेकिन आपने जो जितने भी ये 7-8 शोरा के दिए हुए हैं, इनके मीर कहाँ पैदा हुए हैं, ये उनकी जिंदगी के हवाले से आपने 5 से 6 या 10 से 12 पॉइंट्स बनाने हैं। इसी तरह फिर उसकी इंतखाब कलाम मीर, ठीक है, इसको रेफरेंस बनाते हुए इसके ऊपर आपने एक क्रिटिकल एनालिसिस बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करें कि मीर के इस इंतखाब कलाम मीर के हवाले से दूसरे शोरा ने क्या क्या दिए, उनकी क्या कमेंट्स है इसके ऊपर। इसी तरह दीवान गालिब में दूसरे जो शोरा है अदब के, उन्होंने दीवान गालिब के बारे में क्या कहा था। तो इस तरह इसकी फिक्री और फनी एक जायजा आपने कम्प्लीट तैयार करनी है। थर्ड आपको जो पोर्शन है ये नज़्म का है, ठीक है, और कोशिश करें कि दीवान गालिब है या मुसद्दस हाली है, उनकी जो इम्पोर्टेंट जो शेर है वो ज़रा देख लें, ताकि अगर उर्दू तशरी आए तो आप उसको इजीली पहचान सके कि ये हाली का शेर है, ये मीर का है, ये गालिब का है, क्योंकि उस पर भी आपका एक एक या दो दो नंबर शायर के नाम के लिखने का उर्दू में है। तो अगर आप इसके मशहूर अशार भी थोड़े से पढ़ेंगे कहीं से, तो आपको इसकी तशरीह में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूँ, तो ये मैंने सिलेबस का 3 बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक उर्दू अदब और ज़बान है, दूसरा नसर निगार है और तीसरा नज़म है। इन 3 को आपने एक इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में आपने इनको तैयार करने हैं। पहले आप शिबले नोमानी के बारे में, फिर सीरतुल नबी को, सीरतुल नबी की कंप्लीट एक समरी बनाएं, इसी तरह अब्दुल हक उसकी एक जो उसके नसर है उसकी एक समरी बनाएं, इसी तरह नज़्म में मीर है, मीर के ऊपर आप एक नोट बनाएं उसकी ज़िंदगी के हवाले से, फिर इंतखाबी कलाम मीर के हवाले से उसकी एक एनालिसिस करें। आप आते हैं इसी पेपर की तरफ, देख लें आपने, अगर आपने हाली को तैयार कर लिया तो 4 में से आपने 2 शायरों के एक फिक्र और फनी उनके किताबों के हवाले से एक जायज़ा पेश करने हैं, ठीक है। अगर आपने उन 6 से 7 को अगर लिस्ट कर लिया तो आप इस सवाल को ईजिली कर सकते हैं। फेज़ का है, मुख्तार सिद्दीकी का है, ठीक है। ये अगर आपने नसर का पोर्शन को किया तो आपका ये सवाल नंबर 4 हो जाएगा और सवाल नंबर 6 भी ईजिली हो जाएगा। सवाल नंबर 6 में दर्जेल में से 4 अशार की तशरीह कीजिए, शायर का नाम भी लिख लें। शायर का नाम लिखने का मतलब है, अगर 5 नंबर एक अशार के है तो 4 नंबर तशरीह के हैं, 1 नंबर शायर के नाम के हैं। अगर आपने 4 तशरीह करनी और 4 के 4 के आपको शायर आइडिया हो, पता हो, तो आपके 4 नंबर सॉलिड हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लें, 2 नसर निगारों के फन और फिक्र और फन का उनके मजकूरे किताबों के हवाले से जायजा कीजिए, 7.5-7.5 नंबर का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 में से अगर आपने शिबली नोमानी को तैयार किया है, सीरतुल नबी की समरी अच्छी तरह बनाई है, तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला हक है, अब्दुल्ला हुसैन है, अब्दुल हक, अब्दुल्ला हुसैन और बानो कुसिया है, तो इन में से दो करने हैं। तो जो 6 से 7 नसर निगार है उनको आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप नसर निगार को सही से आप तैयार करेंगे ना, तो जो मतन हवाला देते हुए सियाक व सबाक की वजाहत करें, एक जुज की तशरीह करें। अच्छा, जब 2017 में मैंने ये पार्ट 1 किया था, क्योंकि जब मैंने इसकी समरी बनाई शिबली नोमानी के जो सीरत नबी है, उसमें मुझे आइडिया हो गया था कि ये क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये पास पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सच ये है कि ऐवान कसरा नहीं बल्कि शान अजम, सारी चीज़ें हुजूर सल्लम के मतलब जो उसके ऊपर किताब लिखी है सीरतुल नबी, वहाँ से उठाया है।
तो मैंने इसका सीरतुन्नबी नसर का नाम लिखा और मुसन्निफ का नाम शिबली नौमानी लिखा, तो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से जिस तरह प्रेसी में हेडिंग के 5 मार्क्स होते हैं, इस तरह अगर 5 मार्क्स शायर के और मतन के नाम का है तो इट मीन्स कि 5 मार्क्स आपके सॉलिड मार्क्स हैं, बाकी 15 फिर आपने इसकी एक तशरीह करनी है। ठीक है, तशरीह तब कर सकेंगे अगर आपने इसके जो समरी किसी भी नसर के अच्छी तरह तैयार की हो। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो तलखीस है, ये प्रेसी है, इसके आप रूल्स पढ़ें, उर्दू तलखीस के रूल्स क्या हैं। ठीक है, और हेडिंग देना ना भूलें, हेडिंग के 3 मार्क्स हैं, बाकी 12 मार्क्स तलखीस का है। ठीक है, तो ये उर्दू का पेपर है, आप इस पेपर को सामने रख के आप इस उर्दू की तैयारी करें। ठीक है, सिलेबस आपका 3 पोर्शन है, एक उर्दू जबान और अदब है, ठीक है, दूसरा है नसर निगार और तीसरा है शायर। और अगर आप इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे, कवर करेंगे, तो आपको उर्दू का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और उर्दू अदब जबान और अदब को सही से कवर करने का फ़ायदा आपको 25 मार्क्स का जो उर्दू का ऐसे वहाँ भी होगा। तो ये उर्दू के हवाले से अपने उस पर 2017 के एग्ज़ाम के बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किए। बाकी उर्दू के लिए एक स्पेसिफिक क्लास इंशाल्लाह मैडम फरीहान ने कोई कंडक्ट करेगी इसी वीक में या कमिंग वीकेंड पे। बाकी उर्दू के हवाले से किताब ग्रुप में एक सॉफ्ट बुक शेयर की आप लोगों से, वो भी देख लें, और अच्छी किताब कोई रिकमेंड करता है आप उनमें से भी देख सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उर्दू के बड़े इश्यूज हैं लोगों के, लेकिन आपने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके और करना है, और लाजमी 2017 का पेपर आप देख लें। अच्छा, अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन आए और अगर आपने नसर और नज़म और उर्दू अदब को सही से तैयार किया तो आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो MCQs का क्वेश्चन है वो ईजिली तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही पूछना है शिबली नौमानी कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, इस तरह भी आ सकते हैं शिबली नौमानी की कौन कौन सी बुक है, इसी तरह उर्दू जबान और अदब के हवाले से MCQs आ सकते हैं। तो अगर आप इन जो 3 पोर्शन है, उर्दू अदब जबान और अदब नसर और नज़म, इन 3 पोर्शन को आपने अच्छे तरह एक स्ट्रक्चरल वे में आपने तैयार करनी है पास पेपर को देखते हुए, तो इंशाल्लाह आपका उर्दू का पेपर ईजिली तैयार भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, और मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर आप इसको एक स्ट्रक्चरल वे में एक अच्छे उस पर एक डायरेक्शन में उसको तैयार करेंगे। तो ये था आज उर्दू के हवाले से अपनी जो पास्ट 2017 के एक्सपीरियंस के हवाले से मैंने बयान किए, और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो पहले का लेक्चर के हवाले से हो या उर्दू के हवाले से हो या जनरल कोई लेक्चर आपको जनरल कोई गाइडेंस चाहिए या क्वेरी चाहिए, किसी की क्वेरी है 2021 के GB के एग्ज़ाम के हवाले से तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हसीब इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हसीब। सर ये जो पोर्शन है शोरा और अदबा के इफ्कार का तनकीदी जायजा, तो सर ये तनकीदी जायजे से क्या मुराद है सर, इसको हम कैसे टेकल? यार ये फॉर एग्जांपल इस हम उदास नस्लें हैं ना, ठीक है, इसकी आपने एक एनालिसिस करने है उसकी। अब्दुल्ला हुसैन का जो उदास नस्लें में करेक्टर क्या थे, उस करेक्टर की आपने एनालिसिस करनी है। जो बाकी फिर नसर निगार है ना, उनके जो व्यूज है, ठीक है, एक एनालिसिस, जब भी कोई किताब शाये होता है उसके बारे में लोगों की राय होती है कि ये जो इसने जो किताब लिखी है इस टॉपिक के हवाले से, इस जॉनरा के हवाले से, उसमें क्या कमी थी, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों, ठीक है, तो ये फिक्री और फनी जायजा है। आपने इसको तैयार करने हैं वो शोरा के हवाले से भी और नसर निगार के हवाले से। ठीक हो गया सर। ठीक है आसिफ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। रेहान, ये रेहान आप अनम्यूट हैं, बोलें।